अच्छा तो हम ये पढ़ रहे थे कि चूजिंग इमेज फॉर योर साइट, ये वाला टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा था। और उसमें हमने जो बात डिस्कस कर ली थी वो ये कर ली थी, ये लास्ट में जो इन्होंने बात की हुई है कि बी रेलेवेंट और कन्वे इन्फॉर्मेशन भी हमने थोड़ा सा देख लिया था। आवाज़ सही आ रही है मेरी? अच्छा, कन्वे द राइट मूड जो है ना, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये राइट मूड का क्या चक्कर है। अच्छा तो भाई साइंसदान ऐसा मानते हैं, और ऐसा आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि जब इंसान अच्छे कलर्स देखता है तो इंसान का मूड चेंज होता है ना, डिपेंडिंग ऑन के या कोई अच्छी खुशबू सूंघता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। सही है, समहाउ चेंज हो जाता है। अगर वो बदबू बुरी हो तो मूड ख़राब भी हो जाता है। तो कभी ऐसे रोड पे चलो ना, कचरा कुंडी आ जाए कोई, तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे नाक बंद करके दौड़ लगानी होती है ताकि वो जल्दी से क्रॉस हो जाए। तो इसी तरीके से जब आप अच्छे एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो अगर टेम्परेचर है कोई बेस्ट टेम्परेचर है आपके लिए, सही है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप थे, अगर अचानक आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएँ, या बहुत ज़्यादा ठंड में थे आप और नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएँ, तो उससे भी आपके मूड पर फ़र्क पड़ता है। तो हमारी वेबसाइट के अंदर जो है ना, कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सेंस में, है ना, क्योंकि कलर हमने देखा है मूड चेंज होता है कलर से, तो कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि उसमें किस तरह का मूड कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें मैं लिख देता हूँ अल्ट्रा। इन्फो कहाँ चला गया इसका? इन्फो इन्फो नॉट दिस वन एक्चुअली। अच्छा अब इसको हमने ना, इसको ऑब्जर्व करना है बहुत गौर से हमें, कि ये हमें किस तरह का मूड कन्वे कर रहा है। इमेजेस के ज़रिए और कलर्स के ज़रिए, ये दो चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है। ठीक है, आप सब लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं आपसे अभी क्वेश्चंस पूछूंगा कि ये क्या आपका मूड हुआ इसको देख के। क्या हुआ, स्टक क्यों हो गया ये? अच्छा स्टक नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पे ये पैरालेक्स पैरालेक्स लगा हुआ है इसके। ठीक है जी, इन्होंने जीपीएस एंटीना, डुअल स्पीकर बता दिया, एक्शन बटन बता दिया और सायरन बता दिया। दूसरी साइड पे इसके क्या है, साइड बटन है, 3 माइक्रोफोन एरे है और डिजिटल क्राउन और डेप्थ गेज। सही है, ये इसने बता दिया। ये इमेज भी गौर से देखें और ये क्या मूड कन्वे कर रहा है इसको फील करें।
सब लोग उसको बड़े गौर से ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ इनकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, तो अब ज़रा बताएं कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इनकी वेबसाइट में, आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की शुरू से। चलो वापस चलाते हैं उसको। एक मूड तो कन्वे हो गया, यस सर। पहले तो ये तो बताओ कि मूड क्या कन्वे हुआ इस पूरी वेबसाइट को देखने के बाद, क्या मूड कन्वे हुआ। हाँ, ख़रीदने का तो मूड बन गया है, लेकिन वो तो ख़रीद लेना इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि इसने क्या मूड कन्वे करने की कोशिश की है, ठीक है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जब ये वेबसाइट शुरू होती है ना, तो सबसे पहले तो कलर देखिए आप, हर जगह ना वाइट और ब्लैक कलर है। कलर इस वेबसाइट में कोई भी इन्होंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आम तौर पे जो वेबसाइट जेंडर न्यूट्रल होती है या एज न्यूट्रल होती है, उसको ब्लैक एंड वाइट रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप उस तरह की जितनी भी वेबसाइट या जितनी भी ऐप्स होंगी जिसके आगे किसी बंदे ने 8 घंटे बैठना है या 4 घंटे बैठना है, तो उस वेबसाइट के अंदर कलर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप खोलेंगे, उसमें कोई कलर नहीं होता, इक्का दुक्का बटन है जो उसके कलर है बस, बाकी पे कोई कलर नहीं है, बाकी पूरा वाइट होता है वो। अच्छा, इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट वाली कोई ऐप खोलेंगे, तो या तो वो डार्क मोड में होगी तो पूरी ब्लैक होगी, या तो अगर लाइट मोड में होगी तो पूरी सफ़ेद होगी। तो यानी वाइट और ग्रे का ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन चल रहा होगा उसमें, क्योंकि उसके आगे बंदे ने 8-8 घंटे बैठना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई डैशबोर्ड होगा किसी एयरलाइन का, हाँ, जैसे वी एस कोड होगी। नहीं, वी एस कोड तो फिर भी कलरफुल है थोड़ा, हाँ, लेकिन वी एस कोड में भी उन्होंने खुद से कोई कलर नहीं रखे, वो आप एक्सटेंशन वगैरह डालते हैं तो कलर आता है, वरना नहीं आता, वरना वो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं न्यूट्रल ही रखें उसको। तो इसका जो कलर इन्होंने रखा है ना, सिर्फ वाइट रखा है बैकग्राउंड, तो वो उसका रीज़न शायद कहीं ना कहीं एक ये रीज़न है कि इसको ये चाहते हैं कि हम जेंडर न्यूट्रल रखें, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो उनको ज़रा वाइब्रेंट कलर्स पसंद होते हैं, ठीक है। और अगर उनको इस तरह का वाइट वाइट दिखाया ना, उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, और बड़ी तेज़ी से उनको जो है ना चीज़ें लर्न करने के लिए उनको डेटा चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे कभी सुकून से नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ उनको करना होता है, ठीक है। तो उनको बिज़ी रहना पसंद होता है बच्चों को, और वो हर चीज़ को तेज़ी से लर्न कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ उनके हाथ में आएगी तो उसको वो तोड़ के गिरा के उछाल के फेंक के उसको वो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स उनके हो रहे होते हैं असल में ये, ठीक है। तो वो ये इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको हर चीज़ लर्न करना होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जिस बच्चे का बटन तक हाथ पहुँचने लग जाए तो बटन को पूरा दिन ऑन ऑफ करेगा वो, कि वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है इससे। जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है तो पूरा दिन कुछ ना कुछ वहाँ बोलता ही रहता है वो, उसको बोलने में मज़ा आता है, तो वो नया नया होता है, ठीक है। फिर थोड़े दिन में बोल बोल के बोर हो जाता है बंदा, है ना। तो बच्चों को ना वाइब्रेंट कलर्स पसंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती है, अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने पड़े तो आपका ब्रेन थक जाता है, जल्दी थकता है निस्बतन कि ये वाइट वाला हो ना, इसमें थकन ज़रा कम होती है। तो ये वाला चक्कर है। अच्छा, फिर डिफरेंट एज ग्रुप्स जो होते हैं उनको डिफरेंट कलर्स पसंद होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक तो जेंडर न्यूट्रल और एज न्यूट्रल बात कर दी,
लेकिन स्टिल दिस वेबसाइट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसके पैसे इन्होंने क्या लिखे हुए नीचे, पैसे तो ये सबसे आखिर में बताते हैं ना मूड बना के, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, हाँ 799 इसके पैसे लिखे हुए हैं, तो 799 जो है वो बच्चों की पहुँच से बहुत दूर है, तो बड़ों की भी पहुँच से दूर है ना। हाँ, नहीं है तो सही सही है भाई, कह रहा है पुराना 190 में लूंगा मैं और नया दे रहा है 799 में, सही जा रहे हैं भाई, बड़े चालाक चल रहे हैं ये। तो वापस ऊपर आ जाते हैं हम टॉप पे इसके, तो दिस वेबसाइट इज़ ऑब्वियसली नॉट डिज़ाइंड फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस तरह की डिवाइसेस के अंदर, और तो इसलिए इन्होंने इसको ना ब्लैक एंड वाइट भी रखा है, अदरवाइज अगर ये चिल्ड्रन के लिए होता तो इसमें कलर्स ज़रूर होते, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था कि इसमें कलर्स नहीं होते। तो वेल मैं ये बता रहा था कि जो डिफरेंट एज ग्रुप होता है मेल का और फीमेल का, उनको डिफरेंट तरह के कलर्स पसंद होते हैं। अच्छा, और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, जैसे लड़कियों को कौन सा कलर पसंद होता है, पिंक पसंद होता है, ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। अच्छा, लेकिन वो तो हमें सिर्फ पता है कि लड़कियों को पसंद होता है, लेकिन हर एज की लड़की को पिंक कलर पसंद नहीं होता है, ठीक है, हर एज की लड़की को नहीं होता, वो शायद छोटी उम्र में उसको रेड वेड शायद येलो ज़्यादा पसंद आता है, और फिर एक सर्टेन एज पे जाके उसको शायद पिंक सही लगने लग जाता है, और एक सर्टेन एज के बाद उसको वो पिंक अच्छा नहीं लगता है, वो भी ब्लैक और वाइट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो कलर चार्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, सही है, ये मैंने लिख दिया कलर चार्ट और एज ग्रुप। मेल फीमेल भी लिख देता हूँ, फीमेल लिख देता हूँ, सिर्फ एक तो आए पहले, वो दोनों मिक्स करके पता नहीं क्या आ रहा है, ये आ गया ना, हाँ ये सही आ गया सबसे। अब देखो फीमेल्स का जो होता है ना, ये सीन है, ये फीमेल्स का ये सीन है, 0 से लेके 18 तक जो है ना, जो मोस्ट फेवरेट कलर है वो पर्पल है। अच्छा, और उसमें जो लीस्ट फेवरेट है, यानी जिस कलर को सबसे कम लाइक किया है इन्होंने, वो ब्राउन कलर है। अच्छा, उसके बाद 19 से लेके 24 तक जो ग्रीन कलर को सबसे ज़्यादा पसंद किया, और स्टिल सबसे लीस्ट यही वाला ही है, ठीक है, तो और उसके बाद ब्लू पे आ जाता है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है रेड 70+ में, ठीक है, और आप देखें वो लीस्ट कलर वाला भी आ रहा है। इस तरह आपको ना डिफरेंट चार्ट्स बने हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पे इंटरनेट पे, ठीक है, नहीं तो दूसरी चीज़ आ गई, हाँ नहीं पिंक नहीं था इसके अंदर, पिंक वो परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन असल में वो रियलिटी परसेप्शन से कुछ और होती है। नहीं, वैसे भी अगर आप देखें ना डिफरेंट, जो जैसे बारबी डॉल है, बारबी डॉल का पूरा थीम ही पिंक है ना। अच्छा, ये आ गया मेल और फीमेल भी आ गया, कलर प्रेफरेंस, जो मेल है ना, अब ये एज ग्रुप इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने एज ग्रुप नहीं लिखा कि कौन से एज ग्रुप की बात हो रही है, तो मोस्ट फेवरेट देखें ब्लू कलर जो है ना, वो मोस्ट फेवरेट है मेल और फीमेल के दरमियान, मोस्ट फेवरेट है ये। अच्छा, सेकंड है ग्रीन, और थर्ड में फिर जो है ना डिफरेंस आ गया, एक में रेड है और एक में पर्पल है, लेकिन रेड पर्पल थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, इसमें भी थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब लिहाजा हम क्या लिखेंगे अब जाके, अब ये हमें हमने देख लिया ना ये कलर का क्या चक्कर है, अब हम यहाँ पे जाके लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, और मैं इमेजेस में जाऊँगा, तो अब आप ये देखें,
इसके अंदर आपको यही तीन कलर नज़र आ रहे हैं जो टॉप फेवरेट कलर हैं, यस और कोई कलर इसके अंदर इन्होंने रखा ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये हल्का सा शेड दिया है, ये येलो सा येलो वाला, और बाकी पूरा ब्लू ब्लू किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी जो पुराना वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें भी आप देखें क्या था, ब्लू शेड था। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं? हाँ, फेसबुक का भी जो कलर है वो ब्लू है, शुरू से ही रहा है फेसबुक का कलर ब्लू। ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप का भी शुरू में ग्रीन हुआ करता था, अब नहीं है ग्रीन, अभी भी ग्रीन है? नहीं यार, मेरे पास तो पता नहीं, ग्रीन नहीं आता, कुछ और आता है। नहीं, ये वाइट हो गया ना, ये वाइट हो गया, ग्रीन नहीं है अभी। ये जो होम इसका स्क्रीन है जहाँ पे चैट आपकी शो हो रही होती है, वो इसका वाइट हो गया है। अच्छा, और अगर मैं अंदर जाऊँ तो अंदर जो है वो चैट का जो कलर है वो है ग्रीन, जो मैं करता हूँ वो ग्रीन होता है, जो सामने से आता है वो वाइट होता है। ठीक है, ये वाला तो पहले इसमें भी कलर्स थे बहुत सारे। अच्छा, फिर इसमें वॉलपेपर का भी ऑप्शन है कि इस चैट के पीछे वॉलपेपर लगाते हैं, तो वॉलपेपर जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है उसका पता नहीं क्या कलर है, लेकिन मैंने तो उसको चेंज कर दिया, मैंने उसको चेंज करके एक सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लिया, काइंड ऑफ वो ग्रे और ब्राउन के अराउंड को चक्कर है वो, मैंने वैसे ही रैंडमली को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो वॉलपेपर में ना चैट मिक्स हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो लगाई भी होती है व्हाट्सएप के वॉलपेपर पे, वो उसमें फ़ोटो ही दिखती है, मैसेज तो दिखते ही नहीं है फिर। और कुछ लोगों ने तो और कीबोर्ड के अंदर अपनी फ़ोटो लगाई भी होती है, कीबोर्ड में जहाँ पे टाइप कर रहे हैं पीछे उनकी फ़ोटो आ रही है, अबे भाई वो टाइप क्या कर रहे हैं वो तो दिख ही नहीं रहा, फ़ोटो ही दिख रही है उसके अंदर। तो ये आप देखें कलर का ना सारा सीन, अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, इसी तरीके से कोई और ऐप जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं? हाँ, गूगल, गूगल इटसेल्फ जो है वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पे जो शुरू में जो टॉप के जो कलर्स आपको ना, ये तीनों चारों वही आपको नज़र आ रहे हैं, क्या था, ब्लू था, उसके बाद रेड और येलो है, ब्लू रेड येलो ग्रीन। अब आप यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है, ब्लू रेड और ग्रीन, ये ग्रीन तीनों तो यहाँ दिख रहे हैं, येलो ज़रा सा आगे जाकर है, लेकिन येलो है भी बहुत कम उसके अंदर, एक सिर्फ सर्कल येलो है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कलर्स का। हाँ, अच्छा, अब ये एक मज़ीद डिटेल्ड एक चार्ट है। अच्छा, ये तो मैंने वैसे इमेज सर्च किया, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखे हैं और वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं इसकी। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूँ, ये सारा असल में शायद एक ही वेबसाइट से उठ के आ रहा था। ठीक है, टॉप फोर कलर्स मेल और फीमेल के लिए कौन कौन से हैं, कलर प्रेफरेंस बाय जेंडर, रिस्पॉन्डेंट्स, ब्लू कलर, कल्चर, जेंडर, एज। अच्छा, तो वेल इन्होंने ये पूरा जो है ना यहाँ पे इस तरह से आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं है, सही है, ये आपको डिज़ाइनर सजेस्ट करेगा कि कौन सा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये डिज़ाइनर के करने का काम है। लेकिन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं इसको कि जो है ना हमने डिज़ाइनर से ज़ाहिर है लेना देना है हमारा, तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो इस वक्त कर रहे हैं कि कन्वे द राइट मूड वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी वेबसाइट के अंदर, और हमने ये देखा कि कलर का जेंडर से ताल्लुक़ है, कलर का एज से ताल्लुक़ है, ठीक है, और कलर का किसी हद तक डेमोग्राफिक से भी ताल्लुक़ हो सकता है, किसी हद तक रिलीजन से भी ताल्लुक़ हो सकता है कलर का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिका के अंदर वाइट और ब्लैक कलर जो है ना वो एथनीसिटी से उसका ताल्लुक़ है बड़ा गहरा। मिसाल के तौर पे जो ब्लैक पीपल है ना वो
मतलब बड़े सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेके वो, ठीक है। अगर आपने फ़ोन ब्लैक रखा हुआ है या फ़ोन वाइट रखा हुआ है, तो सम टाइम ना जो ज़रा कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बाकायदा आपको जज करते हैं कि यार अच्छा आपने तो फ़ोन वाइट रखा हुआ है। वो लोग मीम भी बनाते हैं कि जो है ना वो वाइट फ़ोन है अगर, तो उसमें सीरी अलग है। तो वो अब कहता है यार दूसरा फ़ोन लिया तो ब्लैक लिया फ़ोन वो, तो उसने कहा भाई ब्लैक फ़ोन में सीरी होगी कि नहीं होगी। तो मतलब कॉमेडी वॉमेडी में भी अक्सर ये चीज़ देखने में आती है। तो वहाँ पे जो है ना ये कलर का ताल्लुक एथनिसिटी के साथ बड़ा गहरा है। तो लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं या इस तरह के, तो वो अब इस तरह की किसी सिचुएशन में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि कोई एड वगैरह बनता है ना, तो उसके अंदर वो ब्लैक पीपल को लगा देते हैं, क्योंकि वाइट वाले पीपल इतने सेंसिटिव नहीं है, ब्लैक वाले ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो अक्सर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में ना ब्लैक बंदा कोई ना कोई आपको दिख जाएगा, या तो वो कोई ऐसा बंदा चूज़ करते हैं एक्टर जो ना तो ब्लैक में लाया करता है ना तो वाइट में लाया करता है, वो बीच का कोई मतलब है बंदा, सही है, जो जिसको देख के ये पता ना लगाया जा सके कि इसकी एथनिसिटी क्या है, ठीक है। तो फिर एन लवली ने अपना पूरा नाम ही चेंज कर दिया, ग्लो एन लवली कर दिया, ग्लो एंड लवली कर हाँ दिया। फिर अब ब्लैक पीपल से ज़्यादा सकता है। हाँ नहीं वैसे तो फेयर फेयर तो नहीं करता वैसे असल में मैं वो। वो पर वैसे ही बड़ा ब्रांड का नाम ही है। हाँ नहीं उस पर किसी ने सू किया होगा कि यार आप जो लिखते हैं ना फेयर एंड लवली, तो फेयर तो नहीं करती आपकी क्रीम, फेयरनेस वाला कोई एलिमेंट उसमें है नहीं फेयर एंड लवली में, तो इसलिए उन्होंने ग्लो एंड लवली कर दिया होगा। उन्होंने कहा ग्लो वाला एलिमेंट तो है वो, कोई कोई परफ्यूम था ना तो वो एड में दिखाते थे कि बंदा परफ्यूम लगा के जाता ना तो बंदियाँ यूँ गिरती हैं, तो वो किसी ने सू कर दिया जाके उसको अदालत में। उसने कहा भाई मैं लगा के निकलता हूँ, बनी गिरती हैं लड़कियाँ, तो भाई उस कंपनी पे वो फाइन कर दिया उन्होंने। तो गोरे इस मामले में तो हैं ज़रा। तो फेयर एंड लवली पाकिस्तानी ब्रांड है क्या? यूनिलीवर वालों का शायद है। हाँ तो बस उनको किसी ने सू किया होगा कि यार मैं तो 10 साल से लगा रहा हूँ, मैं तो गोरा नहीं हुआ। तो उसको 10 साल के फेयर एंड लवली के पैसे दिए होंगे एक, तो ऊपर से जुर्माना भी भरा होगा। अच्छा तो हमने देखा कि इसका ना ये मूड कोई कन्वे नहीं कर रहा, ये न्यूट्रल मूड कन्वे कर रहा है। अच्छा और सबसे पहली पिक्चर से देखो, एक तो कलर था, दूसरी पिक्चर है ना, दो चीज़ें। हमारा जो टॉपिक है वो इमेजेस का टॉपिक है, तो सबसे पहले ना ये कोशिश इनकी सबसे पहली है कि प्रीमियम लुक सबसे पहले दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप नोट करें, ये प्रीमियम दिखाना चाह रहे हैं कि यार हम प्रीमियम हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लोजअप दिखा दिया इन्होंने, और ये CNC कटिंग और बिल्कुल वो कर दिया इन्होंने कि यार हम सबसे प्रीमियम हैं। तो मैं इस इमेज को देख के ना ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम प्रीमियम हैं सबसे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप फ़ौरन देखें यहाँ पे इन्होंने इस इमेज के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की है। अब इसमें आप नोट करें इनके ना यहाँ पे देखो पसीना वसीना आया हुआ है, और वॉच लगी हुई है इसके अंदर, और बंदा साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, और बंदे के मतलब हालत देख के लग रहा है कि इसने अच्छी खासी साइकिलिंग कर ली है, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर पसीना आने का मतलब है कि अच्छी खासी साइकिलिंग कर ली है, और इसका मुंह भी आप देखें ज़रा, इसने ना फुल अच्छा यहाँ पे आप वो वाली चीज़ भी नोट करें, ये बंदा गोरा नहीं है, इन्होंने कॉर्कोजन जो होता है ना वो नहीं दिखाया है यहाँ पर। यहाँ पर ना ये काइंड ऑफ कोई एशियन एशियन ज़्यादा लग रहा है ये, यानी ज़रा चाइनीज़ और जापनीज़ से ज़्यादा टच मिल रहा है इसका, लेकिन स्टिल फेस ऐसा है कि वो बिल्कुल चाइनीज़ भी नहीं लग रहा। तो इन्होंने एक न्यूट्रल कर दिया है यहाँ पे, ये काले गोरे वाला चक्कर में पड़े ही नहीं है ये, इन्होंने बोला भाई हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, सही है। तो ये इमेज सेलेक्ट करते हुए इन्होंने इस चीज़ का देखें कितना ख्याल रखा है। तो अच्छा तो यहाँ पे सामने लिख भी दिया इन्होंने कि भाई लुक टफ बिकॉज इट इज़, तो ये टफनेस ज़रा इसकी यहाँ पे डिफाइन हो गई। ये बता दिया कि यार एथलीट के लिए ये होगा, एथलीट के लिए बेस्ट है ये, और पसीना वसीना दिखा दिया कि भाई पानी वानी से इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने। आगे आ जाओ भाई। अच्छा अब आगे इन्होंने जो है ना ये बताने की कोशिश की है कि यार हमारा बिगेस्ट डिस्प्ले, ठीक है, और डिस्प्ले की ये दो चीज़ें जो थी मैंने जो, क्योंकि स्मार्ट वॉच में आजकल सबसे बड़ा इशू ये है कि किस चीज़ को कहाँ पे रखा गया है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये बता दिया कि यार हमने किस चीज़ को कहाँ रखा है, यानी एट अ ग्लांस आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले तो टाइम होता है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर इन्होंने दिखा दिया। उसके अलावा आपको दिख रहा है जी कि जना कंपास
कंपास इन्होंने टॉप पे ही लगा दिया है, और कंपास के अलावा इसके अंदर लेवल भी है। ये जो दो प्लस आ रहे हैं ना, ये प्लस ऐसे मूव करते हैं ओवरले पे आपस में, जब बिल्कुल सीधा कर दो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। तो जो लेवल होता है ना, ये लेवल दिखा रहा है आपको, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और जो ऊपर कंपास के साथ साथ यहाँ पे भी ये इसको शो कर रहा है कि 315 डिग्री के ऊपर अभी आपका ये जैसे यूं करके खड़े हैं तो 315 डिग्री पे है, ठीक है, 0 से 360 होता है ये। तो यहाँ पे कंपास दिख रहा है, और यहाँ पे ना वो वही कंपास का एक दूसरा विजन व्यू दिख रहा है जिसमें 315 डिग्री ये शो कर रहा है, ठीक है। सनराइज़ का टाइम आ गया है, यहाँ पे एलिवेशन आ गई नीचे कि जी 250 फिट एलिवेटेड हैं आप, सतह समुंदर से 250 फिट ऊपर है। तो ये सारा डेटा इन्होंने शो करवा दिया। ये यूवी दिखा दिया, सन की जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी कर दिया कि जी वो रेटना डिस्प्ले हमने लगा दी, और ऑलवेज ऑन रेटना डिस्प्ले, ऑफ नहीं होगा, ऑलवेज ऑन है, ठीक है। 3000 निट है, ब्राइटेस्ट है, और क्या बता दिया इन्होंने यहाँ पे। वैसे इस तरह की नाइट मोड का जिक्र कर दिया कि जी रात में ऐसा काला हो जाएगा, दिन में ऐसा सफ़ेद हो जाएगा, रात में ऐसा काला हो जाएगा, नाइट मोड बता दिया। अच्छा, ये बटन इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया, लेकिन स्टिल इस बटन को शो करने के साथ साथ इस इमेज के अंदर ये अगेन प्रीमियम शो कर रहे हैं कि जी हम प्रीमियम हैं, ठीक है। ज़रा वो CNC कटिंग वटिंग को अपने शो ऑफ कर रहे हैं ये। अच्छा, अब आगे जाते हैं, इन्होंने ये इसको ज़रा वो करवा दिया, डायग्राम बना दिया कि किस जगह पर क्या है, ये हो गया जी। आगे चलो अब। अच्छा, यहाँ पे 36 आवर 72 आवर करके इन्होंने बोला, भाई बहुत लंबी चलती है बैटरी। और अगेन जो इसने यहाँ पे क्या दिखाया, अगेन यहाँ पे देखो एक ब्लैक बंदी दिखा दी, सही है, ब्लैक वालों को ज़रा सर पे हाथ रख दिया गया, भाई हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वो गोरे इतना माइंड नहीं करते, आगे गोरा भी कोई ना कोई दिखा देंगे ये, वैसे तो गोरे इतना माइंड नहीं करते, ब्लैक ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में ना। अच्छा, ब्लैक में ना ज़रा पढ़े लिखे कम होते हैं बंदे, ये भी एक इशू है जिसकी वजह से ये ज़्यादा वो है। तो इस इमेज में इसने ना सिर्फ ये कन्वे किया है कि ब्लैक लाइफ मैटर, बल्कि साथ में इसने क्या कन्वे किया है, ये बंदी जो है, इसने जो ये ग्लासेस लगाए हैं, ये कौन से वाले ग्लासेस हैं, स्विमिंग वाले ग्लासेस हैं ये, ठीक है। और इसने स्विम सूट भी पहना हुआ है, अगर इसको फील कर पा रहे हैं अब इसकी आस्तीन को देख के, तो इसने स्विम सूट पहना हुआ है, ठीक है। सर पे इसने वो जो हेयर बैंड की तरह होती है, टोपी सी होती है, वो चढ़ाया हुआ है। ये रबर की टोपी होती है, उससे क्या होता है, बाल आपके गीले नहीं होते। अच्छा, गोरों में पता नहीं क्या है, नहाते हैं ना, बाल नहीं गीले उनके होटलों में भी आप अगर इत्तेफाक हो ना कभी, तो वो जैसे साबुन शैम्पू वगैरह रखते हैं, तो वो रखते हैं साथ में शावर कैप, वो शावर कैप चढ़ा के ना सर पे फिर नहाते हैं, अरे बाल पता नहीं। में सेंसिटिव होते हैं कि हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाँ नहीं नहीं वो, हाँ नहीं ये भी हो सकता है रीज़न, लेकिन मैंने एक बंदी से पूछा था, मैंने कहा यार हाँ बंदियों का ही चक्कर है ना, मर्दों का तो बाल कहाँ होते हैं, इतने इतने से तो होते हैं हमारे, हम तो रख के रगड़ देते हैं। मैंने कहा यार ये शावर कैप क्यों चढ़ाते हैं, तो उसने कहा यार वो बालों पे ट्रीटमेंट लेते हैं ना, जो जैसे स्ट्रेट स्ट्रेट करते हैं बाल, तो पानी लगने से वो ख़त्म हो जाता है स्ट्रेट, तो वो कह रही थी कि इस वजह से हम करते हैं। और मैंने कहा मर्द, कह रही है मर्दों का नहीं पता, पता नहीं क्यों चढ़ाते हैं वो, तो वो ये स्विमिंग में भी ना ये वो रबर चढ़ा के ना सर पे, ताकि बाल गीले ना हो। अच्छा, खवातीन में शायद ये वाला भी इशू है, बाल अगर गीले हो जाए सूखते नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है उसको सूखने में। हमारा वाला तो ये इशू नहीं है, हम तो बस यूं ऐसे से किया और चल पड़े मोटरसाइकिल पे, खुद ही सूख जाते हैं थोड़ी देर में, है ना उनका तो भाई बड़ा मसला है, सुखाने पड़ते हैं, ड्रायर श्रायर ये सारे उन्हीं के लिए तो बने। तो इसमें एक तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की है ना, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि कन्वे राइट मूड, और कन्वे इन्फॉर्मेशन भी साथ में इसमें कवर हो रहा है। अब कौन मुझे बताएगा कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे की है इसने, ये करीब से देख लो वॉच में क्या आया हुआ है। ये हो क्या रहा है इसके अंदर, वाटर रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। आप नोट करें इस बंदी के दूसरे हाथ में ना बोतल है, ये बोतल का मुंह है, ये इसके दूसरे हाथ में बोतल है पानी की, और इसके इस हाथ में वॉच है, मतलब मोबाइल उठाने की जरूरत है, और इसने फिंगर्स को यूं टच किया हुआ है
इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, जो क्राउन घुमा के करना पड़ता था ना जो टच करके, तो वो ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ऐसे यूं इधर करो तो इधर करो तो वो अंदर मूव करता है, हाँ स्क्रॉल के लिए, और वहीं टैप करो तो वो टच भी करता है। तो ये मैसेज आया है इसके पास और ये एक हाथ से इसका जवाब दे रही है सिंगल हैंडेड। हाँ ये ऊपर हाथ बना हुआ है ना कि वो यूँ हाथ ऐसे करने से वो एक्टिवेट हो जाता है, यूँ यूँ दो बार टैप करो तो शायद एक्टिवेट होता है। तो ये इन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे अब मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो जैसे ही मैं हाथ ऊपर करूँगा तो लाइट जल जाती है और नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। अब मैं जब इसको ये वाले कंट्रोल से क्लिक मारूंगा तो उसके अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो ये स्क्रीन खुल जाएगी मैसेजेस की। अच्छा मैसेजेस की स्क्रीन खुलेगी, अब जब मैं इसको यूं यूं करूंगा तो ये मैसेज ऊपर नीचे स्क्रॉल होंगे, सही है, और स्क्रॉल होके फोकस, अभी आप देखें फोकस इस जगह पर आया हुआ है इसका, ये लिखने वाली जगह पे फोकस आया हुआ है इसका, नोट कर रहे हैं आप? अगर मैं आपको ये फोकस दिखाऊं कि किस चीज़ को होता है, तो अगर मैं अभी टैब का बटन दबाऊं ना अपने कीबोर्ड पे, ठीक है आप देख रहे हैं ये फोकस ये इस जगह पे आ गया इस बटन पे, नेक्स्ट दबाऊंगा तो कहाँ गया फोकस, ये फोकस मूव कर रहा है, आप नोट कर रहे हैं? इसमें तो शायद इतना फील नहीं हो रहा, मैं इस जगह पे अगर आऊँ ये यहाँ पर है ना इस वक्त फोकस इसका, मैं टैब दबाऊंगा तो ये फोकस मूव करता है, ठीक है ये देखें फोकस मूव कर रहा है ये। तो इसी तरीके से जब उसको वो फिंगर को मूव करते हैं तो वो फोकस क्या होता है, वो फोकस मूव करता है। तो कहाँ चला गया वो, गायब हो गया यार। तो वो फोकस मूव करके ना एक सर्टेन पॉइंट में इस जगह पर आ जाएगा वो, और इस जगह पे जब वो उसको होल्ड करेंगे ना तो वो लिसनिंग शुरू कर देता है, और उसको मुंह से बोलो तो वो लिख देता है और लिख के सेंड कर देता है। तो ये इसने वो वाला फीचर डेमॉन्स्ट्रेट किया है यहाँ पर, ठीक है एक ग्लिम्प्स दिखाया है। वैसे तो अपने इवेंट में इन्होंने पूरा मतलब लंबा लेक्चर दिया था इस पर, लेकिन यहाँ पे उसका एक ग्लिम्प्स इन्होंने दिखाया है कि जी एक हाथ में बोतल है और दूसरे हाथ में ये, इस टेक्नोलॉजी का नाम इन्होंने S9 से रखा हुआ है। तो ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो इस पिक्चर में हमने क्या नोटिस किया, नंबर एक, एक तो एक मूड कन्वे कर रहे हैं ये कि भाई ब्लैक पीपल को दे दिया, इससे ताल्लुक है एथनिसिटी का, एक एथनिसिटी को सिंपैथी दे दी इसके अंदर। दूसरा इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी कि एक सर्टेन टेक्नोलॉजी है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है ना। और हैंड्स असल में तो ये पूरी बात तो नहीं बता रहे, ये दिखा रहे हैं कि बस ये एक हाथ में बोतल है, दूसरे हाथ से ये उसको ऑपरेट कर पा रही है, एक हाथ से वन हैंडेड उसको ऑपरेशन उसको कर पा रही है। वरना वॉच में सबसे बड़ा इशू यही है कि ऐसे एक तो मोटरसाइकिल चला रहा है अगर बंदा, या ड्राइविंग कर रहा है, तो एक हाथ तो स्टेयरिंग पे रखना पड़ता है ना बंदे को, ठीक है दोनों छोड़ के करे तो वो सम टाइम क्या होता है वो अलाइनमेंट आउट होती है तो गाड़ी एक तरफ जाने लग जाती है, तो एक हाथ तो स्टेयरिंग पे रखना पड़ता है। वेल अलाइनमेंट वाला इशू नई गाड़ियों में आजकल नहीं होता, वो ज़रा पुरानी गाड़ियों में ही होता है, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसे ड्राइविंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप दोनों हाथ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप एक हाथ से उठा के टाइम तो देख लेते हैं, लेकिन अगर कुछ ऑपरेशंस करना है, किसी के मैसेज का जवाब देना है, और मैसेज का जवाब देना सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, यानी पूरा कीबोर्ड खुलता है उसको वो टाइप करो, इतना सा तो होता है वो, उसमें क्या टाइप करेगा बंदा। तो वो इन्होंने इस वजह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि जी कोई अगर मिसाल के तौर पे अलार्म सेट करना है, कुछ करना है, तो इसमें ये कि जी वो हे सिरी करके बोलो तो वो सुन के कर देता है। तो 100 को पूरा इन्होंने सेट मेट कर दिया, ज़बरदस्त कर दिया इसमें, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट पे, यहाँ पे इन्होंने ना वो डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा कर दी, ये वही फिंगर वाली, कि आप क्या क्या कर सकते हैं फिंगर के सर, ये मैसेज का जवाब दे सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, और टाइमर लगा सकते हैं, ठीक है पॉज अ टाइमर ये आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुकिंग करते हुए आपने बोला कि उसको सीरी को क्या टाइमर लगा दो, अब उसको यूँ करेंगे जब तो वो टाइमर को पॉज कर देगा, यूँ करेंगे स्टार्ट कर देगा दोबारा। तो इस ये भी जो पिक्चर है, इस पिक्चर में इन्होंने कहीं पर ये प्रीमियम वगैरह वाली चीज़ नहीं दिखाई, इन्होंने जस्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे की है इस फोटो के अंदर, ठीक है। अच्छा इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ ये वाली कन्वे की है, बल्कि बेल्ट के 3 कलर भी इन्होंने दिखा दिए लगे हाथों, इन्होंने बोला लगे हाथों 3 कलर भी देख लो आप बेल्ट के। अच्छा लेकिन ये प्रीमियम वगैरह वाला कहीं सीन नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब आगे आ जाओ, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, एक तो कार्बन न्यूट्रल लिखा है कि जी कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसको बनाने के अंदर ना कोई मतलब इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है ना वो नहीं हुआ है इसको बनाने के दौरान, ठीक है। तो बकौल इनके, मैं नहीं मानता इस बात को लेकिन बकौल इनके। तो अच्छा और इसमें भी इन्होंने ना प्रीमियम थोड़ा सा लुक दिखाने की कोशिश की है, इस वाली इमेज के अंदर इन्होंने ज़रा प्रीमियम दिखाने की कोशिश की है स्टिल इसको। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। अच्छा अब अगेन आप देखें, ये इस पिक्चर के अंदर एक खास मूड कन्वे किया जा रहा है। क्या है वो मूड,
हाँ चार्ज प्लेन रोड के बजाय ऑफ रोड पे चल जाए। ऑफ रोडिंग इसके अंदर इन्होंने दिखाई है, और ऑफ रोडिंग के अलावा ये वेदर क्या है इस वक्त इसमें? गर्मी है सर्दी है? मुझे तो गर्मी फील हो रही है इसमें। गर्मी का वेदर दिखाया है इसमें, सख्त गर्मी का वेदर दिखाया है। सही है, सख्त गर्मी का। हाँ तो सख्त गर्मी का वेदर दिखा दिया इसने, और ज़रा ऑफ रोडिंग दिखा दी, और ज़रा बंदों को दिखाया कि आप देख रहे हैं मिट्टी उड़ाता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है ये स्पीड साइकिलिंग कर रहा है, मतलब अच्छी खासी स्पीड में ये जा रहा है। तो एक सिनेरियो क्रिएट किया कि इस तरह के सिनेरियो में जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो कि फेल हो जाती हैं इस तरह के सिनेरियो में, ये वहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, तो एक टफ मूड इन्होंने कन्वे किया है कि ये टफनेस को शो किया। अच्छा, और इसमें क्या इन्होंने कन्वे की ये बात? अच्छा, और ये आगे आ गए, अब क्लोजअप देख। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट इसको दिखाने का ना भी एक ख़ास रीज़न है, इसको ब्लैक एंड वाइट दिखाने का भी एक ख़ास रीज़न है। जब इंसान कोई टफ काम कर रहा होता है ना, टफ काम यानी जैसे दौड़ रहा होता है या कहीं से हाइकिंग वाइकिंग कर रहा होता है, तो यानी अगर वो खड़ा हो जाए और खड़ा होके वो यूं देखे तो तब तो सही उसको सब कुछ दिखता है, ओके दिखता है। लेकिन अगर सख्त गर्मी हो और साइकिल चलाने के प्रोसेस में जब हो ना, तो उस वक्त बंदे को कलर्स नहीं दिखते। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उस वक्त बंदे को कलर्स नहीं दिखते। या बंदा कोई रेस कर रहा होता है ना, कोई ऐसी चीज़ कर रहा होता है जिसमें पसीना छूट रहा होता है और स्टेमिना लग रहा होता है, तो उस वक्त बंदे को कलर्स देखना थोड़ी देर, मतलब ब्रेन थोड़ी देर के लिए कलर्स को हटा देता है, वो सिर्फ देखता है कि यार ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये काइंड ऑफ इन्होंने ना वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की है कि यार यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको यानी जब इस तरह, क्यों जैसे अभी ये दिख रहा है ना, ये वाला बंदा दिख रहा है साइकिल पे जाता हुआ, तो मिसाल के तौर पे इसके पीछे जो बंदा आ रहा होगा, तो आगे साइकिल वाला जाता हुआ दिख रहा होगा ना, तो वो उसको कुछ इस तरह की पिक्चर दिख रही होगी। तो जो बंदे साइकिलिंग करने वाले बंदे हैं वो इस पिक्चर को देख के ना फौरन रिलेट कर लेंगे, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होगा कि अरे ये तो वही सीन है। समझ रहे हो बात? अच्छा, यहाँ पे भी देखो इन्होंने पूरा ब्लैक एंड वाइट करके दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑन अदर हैंड गर्मी का मौसम नहीं दिखाया। मेरे ख्याल में, आप लोगों के ख्याल में क्या मौसम है ये? क्लाउडी है, ठीक है, और कुछ बारिश वारिश वाला माहौल बना हुआ है। ठीक है कि भाई बारिश होने वाली है, आ जाओ भाई आगे चलो। अच्छा, इन्होंने ये दिखा दिया कि जी ये सिंक रहेगा आपस में। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो, ये अगेन भाग दौड़ वाली कहानी शुरू हो गई है यहाँ पे ना। तो मतलब शुरू से लेके आखिर तक इन्होंने एक चीज़ कंसिस्टेंट है कि हर दफ़ा सिर्फ एथलीट्स की और इस तरह की डाइविंग की और रनिंग की और साइकिलिंग की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। शूज़ वूज़ इसने भाई ये मोटे वाले पहने हुए हैं। ठीक है, ये भागने वाले शूज़ होते हैं ना, ये इसने पहने हुए हैं, और भाई भाग रहे हैं ये। सही है, भागते रहो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप एक दूसरा वेदर दिखाया है उन्होंने। तो काइंड ऑफ टॉप टू बॉटम इन्होंने क्या किया, डिफरेंट स्पोर्ट्स को कवर किया है, और डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ साथ डिफरेंट वेदर दिखाते जा रहे हैं आपको ये। ठीक है, तो ये एक एक मूड कन्वे कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम तमाम पिक्चर्स को देखने के बाद आपका एक मूड आप तक कन्वे हो रहा है। तो ये जी पीक परफॉर्मेंस बता दिया इन्होंने। अच्छा, ये इस पिक्चर को देख के क्या फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा सर्दी एक तो फील हो रही है, धुआं उठ रहा है बर्फ़ के ऊपर से, अच्छा ये कितने फिट की एलिवेशन है तकरीबन? 7-8 हज़ार फिट, 5 हज़ार फिट की बुलंदी ये दिखाई जा रही है। क्योंकि एक तो ये पहाड़ पे खड़ा हुआ है, और इसके नीचे अगर आप यहाँ पीछे देखें तो इसके नीचे भी काफ़ी पहाड़ सारे दिख रहे हैं, जिससे ये इस वक्त ऊपर है, इन इन तमाम पहाड़ों से ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है ये। ठीक है, उसने ये रस्सी वस्सी बांधी भी है, और ये मतलब इतनी रस्सी बांधने का मतलब है छोटी पहाड़ियों पे बंदा इतनी रस्सी नहीं लेके जाता। ठीक है, हेलमेट हेलमेट सब लगा के ना, और ये गियर्स पूरे पहन के ये खड़ा हुआ है, और इसने ये यूवी वाले चश्मे भी लगाए हुए हैं। ठीक है, यूवी वाले चश्मे जब लगाते हैं, जब हम यानी सनलाइट को डायरेक्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है जब, तो ये वाले ग्लासेस लगाते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने ना ये रोप पूरा लगा वगा के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, इसमें शायद ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी हाइट पे जाने के बाद ना, यानी 5,000-6,000 फिट की बुलंदी पे आपकी जो नॉर्मल घड़ी होती है एनालॉग, वो तो सीधी हो जाती है बिल्कुल ही। सही है, वो मतलब ऊपर नीचे हो जाता है उसका टाइम सारा।
अच्छा, इसी तरीके से जो आपकी डिजिटल वॉचेस होती हैं, जो जो ये चाइना वाली डिजिटल वॉचेस की बात हो रही है, तो इनका भी इतना वो ऊपर नीचे हो जाता है हिसाब किताब, इनको नहीं समझ आता कि अब क्या हो रहा है क्यों। वो उसका रीज़न ये है कि जितनी भी ये वॉचेस हैं इसके अंदर लगा होता है एक क्वार्ट्स लगा हुआ होता है ना इसके अंदर, अब वो क्वार्ट्स की एक वाइब्रेशन होती है, तो जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है या प्रेशर होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर जो होता है, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ये एनवायरमेंटल प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। कम होने की वजह से अगर बलून आप उड़ाते हैं ऊपर, तो वो बलून ऊपर जाके फूलना शुरू हो जाता है, जितना ऊपर जाएगा वो उतना फूलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वो हवा ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होती है, जितनी हवा आपने नीचे से डाल के भेजी थी वो ऊपर जाएगी तो वो एक्सपेंड होती है, हवा के मॉलिक्यूल दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, और लिहाजा क्या होता है वो ब्लास्ट कर जाता है आपका बलून, ठीक है। तो जो क्वार्ट्स जो है ना वो इस तरह का एक क्रिस्टल होता है, ठीक है। अच्छा, हिंदू इसकी पूजा भी करते हैं, और क्वार्ट्स इन वॉच लिखूंगा ना तो वो एग्जैक्ट वो पुर्जा आ जाएगा जिसमें वो क्वार्ट्स, ये वाली जो चीज़ होती है ना घड़ी के अंदर, आप सब लोगों ने देखी होगी ये, इसके अंदर क्वार्ट्स का वही मेटल होता है और उसकी वाइब्रेशन को वो काउंट कर रहा होता है, और उसके ज़रिए वो पता लगाता है कि कितनी देर में 1 सेकंड होता है। तो ये अगर फ्रीज हो जाए तो वो ज़ाहिर है वो तो वो हिलना ही बंद हो जाएगा फ्रीज होने की वजह से। ये क्वार्ट्ज ये इस तरह का होता है अंदर से, ये अगर उसको आप रिमूव करेंगे ना तो आप ये देखें क्रिस्टल है, ये दो क्रिस्टल हैं ऐसे, ये चोंच की तरह निकले हुए हैं और ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, ये तो इसकी जो वाइब्रेशन है ना वो यहाँ पे नीचे उसको ये सेंस कर लेता है कि कितनी दफ़ा ये वाइब्रेट कर रहा है, और उसको सेंस करके वो उसको एक टिक देता है, यानी इसने जो जो क्या फ्रीक्वेंसी क्या बताई हुई थी इसने यहाँ पे, ये 32,000 टाइम जो है वो क्या होता है मूव करता है 1 सेकंड में, 30। तो जैसे ही ये 32,000 पूरा होता है ना तो वो 1 सेकंड आगे कर देता है, आपकी घड़ी का ये काम होता है असल में। तो घड़ी जो मेनली है वो इस तरह से चल रही होती है, तो और ये जितनी भी एनालॉग घड़ी है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है, और जो डिजिटल घड़ी है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है, यानी जिस पे क्वार्ट्ज वाली घड़ी है, एक तो ये है ना इसमें नहीं होता, ये शायद इस वाली में शायद ये नहीं होता, लेकिन इसमें भी होता होगा यार क्योंकि जिस घड़ी में क्वार्ट्ज नहीं होता ना उसका रोज़ टाइम ख़राब होता है, जो क्वार्ट्ज से पुरानी वाली जो घड़ियाँ हैं ना उसका सीन ही होता था कि रोज़ उसका टाइम ख़राब हो जाता है, मतलब रोज़ उसके 2-4 मिनट टाइम ऊपर नीचे होगा, हर रोज़ सुबह उसका टाइम मिलाना पड़ता है। तो ये क्वार्ट्स के आने के बाद ज़रा सा ये मामला स्टेबल हो गए हैं, तो इवन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो है ना ये क्वार्ट्स लगा हुआ है, इवन आपका जो सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी ये क्वार्ट्स लगा हुआ होता है, तो वो सीपीयू साइकिल वाइकल जो उसमें ना सीपीयू का जो क्लॉक होता है वो भी इसी से चल रहा होता है, लेकिन मसला ये है कि इन कंप्यूटर्स को अगर आप लेके जाते हैं ना एलिवेशन पे तो ये बंद हो जाते हैं और मस्ती कर जाते हैं ये। तो इन्होंने बोला भाई ये इस पर एलिवेशन और ठंड दोनों दिखा दी इसमें, इन्होंने कहा यार इस पे भी चलेगा ये। अच्छा भाई आगे आ जाओ, यहाँ पे अगेन इसने क्या दिखाया है, कुछ वही बर्फ़ वाला पहाड़ दिखाया है, और यहाँ पे इसने दिखाया था मेल बंदा, यहाँ पे इसने दिखा दी है फीमेल बंदी, सही है। और मतलब बहुत ही एक आप कह लेंगे बहुत ही एक ना उस मैनर में दिखाया है कि फीमेल का इसने मुंह नहीं दिखाया, यहाँ पे हल्के से बाल दिखाए और हल्का सा ये चिन्ह दिखाया बस, पूरा मुंह भी नहीं दिखाया, तो मतलब एक गैर महसूस तरीके से जो है ना इसने यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कर दिया। अच्छा, इन चीज़ों को ह्यूमन साइकोलॉजी फील करती है, सही है। मिसाल के तौर पे कोई अगर लड़की इस वेबसाइट को खोलेगी ना तो उसको ये फील हो जाएगा अच्छा मैं भी हूँ इधर, सही है। तो वो फीमेल एथलीट भी इसने दिखा दी और बर्फ़ में दिखा दी, ठीक है। इसने ये रस्सी वस्सी बांधी हुई है और ये चढ़ रही है पहाड़ के ऊपर, चढ़ रही है कहीं ये। अच्छा जी, ये कंपास वम्पास ये डेमॉन्स्ट्रेशन है टोटल, इसके अंदर कन्वे इन्फॉर्मेशन है ये सारा का सारा। आ जाओ भाई आगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जी हमारा जो लूप है वो किस तरह का होता है, ठीक है, लूप को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाओ, ग्राउंड ब्रेकिंग इवन इन सी, तो यहाँ पे ओशियन के अंदर इन्होंने दिखा दिया भाई बंदे तैर रहे हैं और उन्होंने भी ये लगाया हुआ है। अच्छा, इसकी स्क्रीन के ऊपर भी है कन्वे इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है वो आप देखो कि ये भी तो कर सकते थे कि बस दूर से पहनावा दिखा देते, लेकिन दूर से पहनावा नहीं दिखाया है इसने, इस तरह से इसको बनाया है कि इसमें डेटा दिख रहा है। डेटा क्या दिख रहा है कि स्कूबा एयर जो पीछे इसके डब्बे में
ऑक्सीजन है ना उसका लेवल दिखा दिया इसने, और कितने फिट पे है वो दिखा दिया, और टाइम भी दिखा दिया, और साथ में एक दो चीज़ें 89 डिग्रीज टेम्परेचर भी दिखा दिया इस वक्त जिस वाटर में उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कन्वे इन्फॉर्मेशन वाली भी बात कर दी। ठीक हो गया जी, ठीक है। अ फुल फीचर डाइव कंप्यूटर। अच्छा, डाइव कंप्यूटर जो है वो आमतौर पे हमें पता नहीं होता डाइव कंप्यूटर, लेकिन जो डाइवर्स होते हैं ना वो उनके लिए एक स्पेशलाइज डिवाइस होती है जिसको वो लेके जाते हैं अंदर ना, क्योंकि देखो एक तो होता है ना मिशन पे जा रहे हैं किसी पे, लेकिन एक वैसे ही होता है ना प्रैक्टिस पे कि भाई कौन अपनी लिमिट को कितना पुश कर सकता है। तो जब ये डाइविंग करने जाते हैं ना जितने भी ये डाइवर्स, तो वो अपने साथ एक कंप्यूटर लेके जाते हैं। वो दिखने में कैसा होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, लिखूँगा ना मैं डाइव कंप्यूटर तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का होता है ये डाइव कंप्यूटर। ये हाथ में पहन के ना इसको, इतना बड़ा सा ये घड़ा, घड़ी तो नहीं है ये, घड़ा है एक्चुअली, घड़ी नहीं है, इसको डाइव कंप्यूटर ही बोलते हैं। इसमें टाइम आ भी नहीं रहा होता है ना, इसमें टाइम ही नहीं आ रहा होता, इसमें सिर्फ ये डाइविंग से मुतालिक चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये डाइव कंप्यूटर होता है, और ये बड़े महंगे होते हैं, मतलब ये, क्योंकि ये एक डिपेंडेबल डिवाइस है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ घड़ी, दिस इज़ नॉट अ वॉच। इसमें आप देखें टाइम कहीं पर भी नहीं आ रहा, टाइम का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। डिफरेंट तरह के ये डाइव कंप्यूटर इन्होंने दिखा दिए। तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि भाई ये ना फुली फीचर डाइव कंप्यूटर, यानी डाइव कंप्यूटर में जो जो काम होता है वो सब इसमें हो रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दिखा दिया इन्होंने कि किस तरह से ये चल रहा होगा। आओ भाई आगे चलो, अब ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की कि भाई जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाओगे तो ये इस तरह से जो है ना आपको अंदर करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन इन्होंने प्रीमियम बनने की कोशिश की है, और लास्ट में इसने जो है ना वो इनका एक प्रोडक्ट है एप्पल हेल्थ करके, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने बात की है, और उसके बाद ये वेबसाइट यहाँ पे ख़त्म हो गई इस जगह पे। ठीक है, अच्छा ये AR व्यू है कि इसको अगर आपने AR में देखना है तो इसको सफारी ब्राउज़र में खोलें और AR में देखें। अच्छा, तो हमने क्या किया, ये केस स्टडी हमने थोड़ी सी देखी, एक वेबसाइट को हमने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है ना, क्योंकि देखो किताबों में तो सिर्फ लिखा हुआ है ना, इन्होंने तो एक बात लिख के ख़त्म कर दी बात कि यार कन्वे द राइट मोड। अब व्हाट डज इट मीन बाय कन्वे द राइट मोड। ठीक है, अगेन ये मूड क्रिएट करना, ये मूड बनाना, ये हमारा काम नहीं है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये काम है डिज़ाइनर का, UI UX तो एक डिज़ाइनर का ही काम है वो भी, लेकिन UI UX इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, UI UX इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो जो डिज़ाइनर होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं, एक होता है UI डिज़ाइनर, एक होता है UX डिज़ाइनर। तो अभी आप समझ लें कि ये UI डिज़ाइनर की बात हो रही है। ठीक है, अगर UX आ जाएगा वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि UX क्या चीज़ होता है, वो जब हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना उस वक्त डिस्कस कर लेंगे हम। तो UI जो बना रहा है ना डिज़ाइनर, उसको हम UI डिज़ाइनर कहते हैं। तो ये UI वाले डिज़ाइनर की बात हो रही है। अच्छा, एक्सपीरियंस भी चलो मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस क्या चीज़ होता है। आमतौर पर असूलन होना ये चाहिए कि इन दोनों के अलग अलग बंदे हों, लेकिन आजकल जो मार्केट में डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि जी बंदा UI UX दोनों होना चाहिए, एक ही बंदे को दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो अदरवाइज पहले इस तरह नहीं होता था, पहले इस तरह होता था कि डिज़ाइनर जो है वो जनरल होता था और वो सिर्फ UI बनाता था, पोस्टर भी वही बनाता था, फेसबुक के लिए बैनर भी वही बनाता था, ब्रोशर्स भी वही बनाता था, और वेबसाइट की जो UI है वो भी वही बनाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ज़रा स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है दुनिया। तो अब ये कहते हैं कि जी जो वेबसाइट का जो UI बनाने वाला डिज़ाइनर है ना वो अलग होना चाहिए, वो फोटोशॉप वाला वो बंदा नहीं होना चाहिए जो ब्रोशर भी बना रहा है और जो फेसबुक के लिए बैनर भी बना रहा है, वो वाला बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो वेबसाइट की जो UI बनाने वाला बंदा अलहदा होना चाहिए, और उसको क्या आना चाहिए साथ में, UX का उसको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो खैर वो कोई भी यूज़ करे वो उसकी मर्ज़ी है, फिग्मा करे, XD करे, या फोटोशॉप करे, या इलस्ट्रेटर पे ही करे, भले वो इलस्ट्रेटर पे भी ये सारे काम हो जाते हैं जो फिग्मा के ऊपर होते हैं या जो उस पर होते हैं, तो उसकी जिस पे उसका हाथ सेट है उस पे करे, लेकिन उसको UX का पता होना चाहिए, उसको UI का पता होना चाहिए। जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की है ना सारी, ये उसको पता होनी चाहिए। अच्छा, हम लेकिन ये बात क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस डिज़ाइनर से, वो डिज़ाइनर डिज़ाइन बना के सीधा हमें देगा, तो हमें ये टर्मिनोलॉजी, हमें ये नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, जब ही तो हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, वरना तो हम कम्युनिकेट उससे नहीं कर पाएंगे। Yes, sir. अच्छा, अब UX समझ लोगे क्या चीज़ है।
क्यों जिक्र निकल आया है। देखो ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस क्या चीज़ होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आया कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कितना अच्छा या कितना बुरा एक्सपीरियंस आपका रहा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसका ताल्लुक यूएक्स डिज़ाइनर से। तो यूआई तो दिखने में वो कैसा है, वो एक इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में आपको मज़ा आना चाहिए, ये मेक श्योर करता है यूएक्स डिज़ाइनर। उसके अंदर मज़े को इंक्लूड करता है, यूएक्स डिज़ाइनर का ये काम होता है कि उस मज़े को वो क्रिएट करे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हाँ नहीं, मज़े का एलिमेंट उसके अंदर, इंटरटेनमेंट का एलिमेंट, इंटरटेनमेंट का मिसाल के तौर पर, हाँ मिसाल के तौर पर, जैसे ट्रैवल करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है ना। ट्रैवल अगर आपको करना पड़े, मिसाल के तौर पे आपको 200-400 किलोमीटर आपको जाना पड़े, ठीक है, तो ये एक मुश्किल टास्क है, थक जाता है बंदा, है ना। इवन अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना पड़े तो भी थक जाता है बंदा, अच्छा। लेकिन अगर गाड़ी हो कोई ऑडी वगैरह टाइप, या इवन अगर जो GLI भी हो हमारे पास, GLI भी नॉट बैड यार, अच्छी गाड़ी है, अच्छा, तो GLI ड्राइव करके जाना हो अगर 10 किलोमीटर, या चिंची पे जाना हो 10 किलोमीटर, तो दोनों में कितना फ़र्क है। ड्राइविंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। ड्राइविंग जितनी भी जॉब्स इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो लेबर वाली जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंजीनियर्स वाली जॉब की बात नहीं कर रहा, जो लेबर वाली जॉब है, जैसे सेल्समैन है, एक सेल्समैन और एक ड्राइवर में जो मुश्किल काम है वो ड्राइविंग है, ठीक है। तो ड्राइविंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेबर। तो लेकिन आप देखें, लोग हमारे, यानी अगर मैं पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स की बात करूं, तो लोग पैसे कमाते इसीलिए कि हम गाड़ी लेंगे। बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये कि यार हम गाड़ी लेंगे। फिर जब वो गाड़ी लेते हैं तो वो फिर फेसबुक पे लगाते भी हैं कि यार हमने गाड़ी ली है। फिर जब गाड़ी चेंज करते हैं तो वो लगाते हैं, मतलब बाकायदा दे फील हैप्पी, है ना। तो जब वो उस गाड़ी में बैठते हैं, जब वो उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जब उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो उसके अंदर बाकायदा एक एंटरटेनमेंट का एक एलिमेंट है उसके अंदर। उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं वो, उसका जो साउंड है, आप 125 चलाते हो ना सब लोग, हाँ नहीं, किसी दोस्त की तो लेके चलाई होगी ना कभी ना कभी, अच्छा। तो जब उसको ऐसे वो करते हैं ना, बुम बुम, तो मज़ा आता है ना, अच्छा। तो वो इत्तफाक से नहीं हुआ, वो जो है, वो जो साउंड उसका है वो इत्तफाक से नहीं हुआ। जो होंडा 125 के अंदर जो साइलेंसर का जो साउंड है, वो मोस्ट प्रॉब्ली होंडा का पेटेंट है। वो होंडा ने वो साउंड डिज़ाइन किया है कि आप जब ऐसे बुम बुम करें तो आपको मज़ा आए, ठीक है, अच्छा। इसी तरीके से जो आपके ये जो सुजुकी की जिक्सर विक्सर जो बाइकें हैं, ये 600 और ये 400 जो आती है, तो इस जिक्सर का एक साउंड है, सिग्नेचर साउंड है, वो किसी और मोटरसाइकिल में नहीं होता, वो उसी में होता है। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा, वो बात अलग है, लेकिन वो उसी के अंदर होता है, ठीक है। बुगाटी वालों का YouTube पर तो सबने, बच्चों ने आजकल चैनल बनाया हुआ है, तो आप लिखेंगे ना बुगाटी, तो वो बुगाटी का एक सिग्नेचर साउंड है, वो जब चलती है ना, कर 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 कर, उसके अंदर एक उन्होंने रोकर पता नहीं लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, अब तो स्प्रिंग होते हैं ना, हेड के अंदर स्प्रिंग होते हैं वॉल, उसमें उन्होंने स्प्रिंग नहीं लगाया, उन्होंने पता नहीं कुछ और लगाया हुआ, तो उसकी एक बहुत अजीब सी और बहुत तेज़ आवाज़ होती है, कर 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 कर, तो वो उनका एक सिग्नेचर साउंड है, उसको वो चेंज ही नहीं करते, समझ रहे हो बात। तो इंटरटेनमेंट का एक फैक्टर उसके अंदर डाला जाता है हर प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो कोई मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कोई कार हो, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कोई आपका वेबसाइट हो, चाहे वो कोई मोबाइल ऐप हो, ठीक है। मोबाइल ऐप के अंदर जो, अच्छा, तो यूज़र एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि इसका मेन जो मकसद है ना यूज़र एक्सपीरियंस का, वो क्या करना है कि यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है, कि जब वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई टोपी हो, चाहे वो कोई घड़ी हो, ठीक है, चाहे वो कोई कोई फेस पे अप्लाई करने वाली कोई चीज़ हो, तो उसका एक्सपीरियंस बेहतर बनाना, अच्छा। अब ये यूज़र एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि बात निकल आई है तो बता रहा हूँ, वरना ये आगे का टॉपिक, तो उसके दो मेजर उसके अंदर चीज़ें होती हैं यूज़र एक्सपीरियंस में। नंबर एक, एक तो मैंने बता दिया एंटरटेनमेंट, और नंबर दो कि यूज़र का जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, या हम उसको कह सकते हैं कि एज ऑफ एक्सेस, है ना। मिसाल के तौर पे मैं ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको बताता हूँ, एक गाड़ी के ऊपर रख के, सही है। गाड़ी सब लोगों ने चलाई है, वो लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तो जो गाड़ी होती है
उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज कभी भी नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज कभी भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे उसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में आप जितनी भी जो सी भी गाड़ी उठाएंगे, स्टेयरिंग को लेफ्ट मोड़ेंगे तो गाड़ी भी लेफ्ट मुड़ेगी, स्टेयरिंग को राइट मोड़ेंगे तो गाड़ी भी राइट मुड़ेगी, ठीक है। इसी तरह इंडिकेटर जलाने का जो हैंडल होता है उसका, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो उसी तरह रहता है। अच्छा, इसी तरह जो क्लच और ब्रेक का जो, और क्लच ब्रेक और नीचे जो एक्सेलेटर का जो कॉम्बिनेशन है कि जी सबसे राइट मोस्ट के ऊपर एक्सेलेटर होगा हमेशा, कोई सी भी गाड़ी हो, दुनिया की कोई सी भी गाड़ी हो, राइट मोस्ट पे उसका एक्सेलेटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगी, और उसके बाद क्लच अगर है तो होगा, वरना क्लच आजकल नहीं होता नई गाड़ियों में। इस कॉम्बिनेशन को कोई भी चेंज नहीं करता, ना कभी करेगा कोई चेंज। हाँ, ये हो सकता है वो दोनों ही ख़त्म हो जाए, ब्रेक और एक्सेलेटर दोनों ख़त्म हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन उसको चेंज कोई नहीं करेगा, ये रिस्क कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? कि वो प्रायर एक्सपीरियंस को, मिसाल के तौर पर किसी बंदे के पास टोयोटा की गाड़ी थी, वो होंडा की लेता है, तो अब उसका अगर नीचे क्लच ब्रेक चेंज हो गया तो गेम उतर गई फिर, वो तो बोलेगा यार उसको मैं सीखना पड़ेगा मुझे, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और ना सिर्फ सीखना पड़ेगा बल्कि उससे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि ब्रेक की जगह वो एक्सीलेटर दबाएगा अगर, तो ठीक है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बटन वाले मोबाइल फ़ोन होते थे, ठीक है, अब तो खैर वो नहीं होते, लेकिन आपने उसमें नोट किया होगा कि हर फ़ोन में जो कॉल को रिसीव करने वाला बटन होता था उसका कलर ग्रीन होता था, और कॉल को कट करने का बटन रेड होता था। तो ये प्रायर एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है, और इसके ज़रिए यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जाता है कि जी आप किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, आपको नीचे झांकने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्लच ब्रेक किधर है, आपका पैर सेट है ऑटोमेटिक, आप बस उसको फील करेंगे पैर से और चलाएंगे, ठीक है। इसी तरह गियर लीवर जो होता है सेम होता है वो, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो यूज़र एक्सपीरियंस के दो पार्ट हमने देखे। नंबर एक पार्ट कि आपके प्रायर एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हैं वो, और इस उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, और दूसरा उसमें इंटरटेनमेंट का फैक्टर अगर डाला जा सकता है उसमें वो डाल देते हैं, ठीक है। अब एक मोबाइल ऐप के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस का जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे आप कोई ऐप अगर खोलते हैं, यहाँ पर आप अगर ये देखें ना, मैं ये ऐसे पकड़ता हूँ अगर फ़ोन को, तो मेरा जो फिंगर है वो आप नोट करें कहाँ तक जा रही है, ये आप नोट कर रहे हैं, ये अगर इस जगह पे कोई बटन होगा ना तो उसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना, नीचे वाला ये एरिया इतना, ये गोल्डन एरिया कहलाता है, ठीक है। वैसे गोल्डन एरिया इसका कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको प्यार से गोल्डन एरिया कहता हूँ, समझ लिया। ठीक है, मैंने स्क्रीन और साथ में यूएक्स इसके लिख दिया। पता नहीं यार, मैं उसके लिए वो भूल गया क्या लिखते थे, मोबाइल स्क्रीन यूएक्स। फिंगर एक्सेस, हाँ ये आ गया ना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आपने फ़ोन को राइट हैंड में पकड़ा हुआ है या लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ पार्ट आपके लिए क्या होता है, इजी होता है, कुछ पार्ट आपके लिए हार्ड होता है एक्सेस करना, सिंगल हैंडेडली आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट स्क्रीन साइज़ में ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपने लैंडस्केप में पकड़ा हुआ है तो ये चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने देखें इस तरह से पकड़ा हुआ है अगर फ़ोन को, तो ये चीज़ चेंज हो जाती है, और इस तरह से पकड़ा हुआ तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। अब कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं फ़ोन को पकड़ने के, ये आप देखें, ठीक है। मतलब मैंने अगर इसको राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो आप ये इस स्क्रीन पे देखें, ये ग्रीन वाली जगह को, और मेरे अगर हाथ को आप देखें तो एग्जैक्टली ये उसी जगह पे जा रहा है, ये एक निशान एक बन रहा है मेरे फ़ोन पे। अच्छा, अगर मुझे बहुत इधर कोने में आना पड़े इधर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है OW करके नीचे, तो ये इधर भी आना मसला है, ठीक है। एक्स इजीली मेरा बस यहाँ तक पहुँच रहा है, इससे पीछे नहीं आ पा रहा हूँ मैं, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस है। तो आप नोट करेंगे कि अब जितनी भी मेजर एप्स हैं उसका जो कंट्रोल है सारा का सारा मेन कंट्रोल, वो इसी जगह पर है जो ये ग्रीन वाला है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप टिकटॉक चला रहे हैं तो उसके अंदर जो स्वाइप अप होता है वो इसी ग्रीन वाली जगह के ऊपर होता है, स्वाइप अप ही उसका सबसे मेन फीचर है कि आप अप करते रहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर व्हाट्सएप में आपको ये दिखाऊं, तो इसका जो कंट्रोल है सारा वो यहाँ नीचे है, सही है,
ईजिली एक हाथ से एक्सेस हो पा रहा है। अच्छा इसी तरीके से जो अगर YouTube की ऐप अगर मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर भी क्या है कि सारा का सारा जो एक्सेस है इसका वो क्या है, इन्होंने नीचे दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे सारा इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा अगर मुझे इवन ऊपर सर्च बार को भी एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये फ़ोन वालों ने खुद यहाँ पर, ये हर फ़ोन में होता है बाय द वे, एंड्रॉयड में ज़रा ये ऐसे शायद कोने में चला जाता है, तो ये सर्च बार को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे नीचे ला सकता हूँ। तो ये ना सिर्फ ऐप के अंदर मैंने आपको यूज़र एक्सपीरियंस का एलिमेंट दिखाया बल्कि डिवाइस के अंदर इटसेल्फ भी एक फीचर उन्होंने बनाया हुआ है कि जी अगर कोई टॉप वाली चीज़ है उसको आपने एक्सेस करना है तो उसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड में इसका क्या शॉर्टकट होता है पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। ये फीचर होता है एंड्रॉयड में बाय द वे, किसी ने यूज़ किया कभी? हैं हाँ डुअल विंडो भी एक होता है, एक मिनट क्या होता है जी, एंड्रॉयड शॉर्टकट फॉर वन हैंड यूज़, अच्छा एक तो कीबोर्ड में होता है, कीबोर्ड में इस तरह से हो जाता है, अगर आपने लेफ्ट में पकड़ा हुआ है या राइट में पकड़ा हुआ है तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा और स्क्रीन के ऊपर ये हो जाता है जब आप उस वो शॉर्टकट, अब मुझे नहीं पता वो शॉर्टकट क्या है एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है, वन हैंड मोड इसको ना, तो आप ये देखें ये स्क्रीन क्या हो जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है और आप क्या कर पाते हैं ऊपर वाले को सही तरह एक्सेस कर पा रहे होते हैं, है ना। ये देखें जो बड़ा फ़ोन होता है ना, ये देखें बड़े फ़ोन के अंदर जब आप वन हैंड मोड लगाते हैं तो ये छोटा हो जाता है, इस तरह छोटा हो गया ना वो आपके हाथ के एक्सेस में आ जाता है, ठीक है। ये कैसे शॉर्टकट क्या है? अबे ऊपर मेन्यू को खोलेगा कैसे बंदा वन हैंड से? नहीं इसका कोई शॉर्टकट है? एंड्रॉइड में तो ऐसे ही होते नहीं, मुझे अभी याद आ गया, मुझे अभी याद आ गया, इसका शॉर्टकट जो है ना पता है क्या है, वो इसका शॉर्टकट ये है कि आप ये नीचे इसके एक बार आ रहा होता है ना बैक, और ये बटन जो है इस जगह पे स्वाइप लेफ्ट करते हैं, यानी आप अपना हाथ ऐसे यहाँ से यूं लेके जाओगे तो वो पूरी स्क्रीन छोटी कर देता है, इस तरह का कोई शॉर्टकट है इसका, हो रहा है। इसके अंदर शायद सेटिंग भी होगी, यहाँ पे वन हैंड मोड को यहाँ से अगर वो कर देंगे ना, हाँ ये देखो ना ये इसने बताया हुआ है, स्वाइप अप डायगोनली इधर बॉटम सेंटर, ये शॉर्टकट है इसका। तो ये वाले जो यूज़र एक्सपीरियंस के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये हर फ़ोन में आपके पास डले हुए होते हैं। इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, शायद फेसबुक खोला हुआ है और फेसबुक खोल के इन्होंने ये बताया हुआ है कि जी वो जो मेनली तमाम के तमाम जो आइटम्स हैं उसकी क्लिकेबिलिटी वो इस एरिया के अंदर अंदर इन्होंने रखी है। ठीक है जी, तो हमने कन्वे इन्फॉर्मेशन देखा, कन्वे राइट मूड हमने देखा, और कन्वे राइट मूड के साथ साथ क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस की बात निकल आई थी तो वो भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो एक तो यूआई डिज़ाइनर होता है, हमने यूआई डिज़ाइनर वाली सारी बातें डिस्कस कर ली, उसके बाद यूएक्स वाले पार्ट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, नंबर एक प्रायर एक्सपीरियंस जिसको एक्सेसिबिलिटी बोल लें आप, यूज़बिलिटी बोल लें या एज ऑफ एक्सेस बोल लें, और नंबर टू जो है वो इंटरटेनमेंट का एलिमेंट है। ठीक है जी, अच्छा बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल। अच्छा अभी जो हमने केस स्टडी देखी है उसमें हमें हर जगह क्या दिख रहा था कि वो ईजिली रिकग्नाइज हो रहा था कि यार ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई अगर शूज़ की वेबसाइट है तो शूज़ वहाँ पे इस एंगल से, शूज़ आप नोट करेंगे हमेशा एक ख़ास एंगल से बना हुआ होता है, सही है, शूज़ हमेशा ना कुछ इस तरह के एंगल से बनाया हुआ होता है इन्होंने, ठीक है आप देखें इस तरह के एंगल से बनाया हुआ। अच्छा इस तरह के एंगल से बनाने की एक ख़ास वजह है, एक ख़ास रीज़न है, क्या है वो रीज़न कोई बता पाएगा? इस तरह से जो शूज़ को बनाया हुआ है इसका एक ख़ास रीज़न होता है, और से देखो क्या समझ आ रहा है रीज़न इसका। अच्छा एक ये वाला भी शूज़ है फॉर्मल शूज़,
फॉर्मल शूज को इन्होंने इस तरह से नहीं बनाया भाई, ये भी आप नोट कर लो, और इसको इन्होंने इस तरह से बनाया था। हील हाई और स्टार्ट से कम ताकि रनिंग के दौरान जो पंजा। अच्छा ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये वाली इमेज? ये मैं इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वाले में दिखा रहा हूँ, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। और भी कोई एक दिखाता हूँ मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ ना, नाइकी, ज़रा वो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। सही है, ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बाकी बंदे ज़रा ना इतना नहीं रखते। ये आप नोट कर रहे हैं, इसको इस तरह से दिखाया है उन्होंने। अच्छा तो एक तो ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन की बात होती है ना, कि ये चाहते हैं कि जी हमें ना इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि भाई ये इस तरह से चल रहा होगा, तो ये रिकग्नाइजेबिलिटी के अंदर आ जाता है। अच्छा दूसरा आप नोट करें कि इस तरह से जब इसको दिखाते हैं ना ये, तो इस शूज़ का मैक्सिमम वो वाला पार्ट दिख जाता है हमें जो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस शूज़ का हमें ये सोल दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शूज़ आमतौर पर रनिंग एक्सरसाइज से ताल्लुक़ होता है, तो सोल आमतौर पर लोग इसका लेते वक्त ज़ाहिर है सोल का ख्याल रखेंगे कि हाँ यार सोल इसका ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो ऊपर जो ब्रीथेबिलिटी है, यहाँ पे आप देखें ये सुराख बने होते हैं, ये ब्रीथेबल इसको कहते हैं ये, तो यहाँ ये मैश बना के और इसमें से ताकि ये हवा अंदर आती रहे, तो रनिंग करते हुए अगर किसी के पैरों में पसीना आता है तो उसके लिए ज़रा सूटेबल रहता है। अच्छा चलो खैर है कोई नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ना सर्टेन एक व्यू इसका दिखाया है जिससे ये तकरीबन चारों साइड से मुझे दिख रहा है। अच्छा लेकिन इस वाले शूज़ के अंदर, इस वाले शूज़ के अंदर इन्होंने ये पीछे वाला सोल नहीं दिखाया, इन्होंने ज़्यादा फोकस जो इनका है ना वो फ्रंट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये लेदर शूज़ हैं, दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर रनिंग और समथिंग, ये है फॉर्मल शूज़। ठीक है, या ये समझ लें आप वर्क शूज़ है, जो मतलब जो लेदर शूज़ शुरू शुरू में जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए बनाए गए थे, कि जो मिसाल के तौर पर शिकारी हैं जैसे, तो शिकारी जब शिकार करने जाते थे तो वो ये लेदर वाले शूज़ पहन के जाते थे, तो और बड़े सख्त होते थे लेदर। अब तो लेदर के शूज़ नाम के रह गए, मतलब वो शीप लेदर और वो पता नहीं सॉफ्ट, इन्होंने टेक्निक पता लगा ली ना इन्होंने सॉफ्ट करने की उसको, वरना जो लेदर के शूज़ होते थे वो ऑलमोस्ट पत्थर होते थे, कि बस आप उसमें अपना पैर डालो और सीधा हो जाओ। ठीक है, पैरों की भी वाट लगा देता था वो, लेकिन स्टिल शिकारी जो होते थे उनको चाहिए होता था कि जी वो इस तरह के शूज़ पहने, ताकि जैसे ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उससे भी महफूज रहें, ज़रा वेदर से भी महफूज रहें। ठीक है, और ज़रा ये ड्यूरेबल होते हैं, मिसाल के तौर पहाड़ वाड़ पे अगर चढ़ रहे हैं आप तो ये इसके टूटने का चांस ज़रा निस्बतन कम होता है जो दूसरे शूज़ से। तो इसका इन्होंने ये टॉप ज़रा दिखाया हुआ है नॉस्टैल्जिक टाइप का, वो शिकारी वाला स्टाइल। और इस वाले में आप नोट करें कि इस इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है ना वो फ्रंट पे नहीं किया हुआ, ज़्यादा फोकस इन्होंने ये नीचे सोल के ऊपर किया हुआ है, तो ये ईजिली रिकग्नाइजेबल वाले कॉन्टेक्स में मैंने आपको ये दिखाया कि यार कोई भी चीज़ जो आप दिखा रहे हैं ना वो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शूज़ को किसी ऐसे एंगल में, क्योंकि शूज़ ऐसे एंगल में भी हो सकता है कि वो नज़र ही ना आए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर शूज़ को मैंने ये सीधा ज़मीन पर रखा और उसकी मैं टॉप से अगर फ़ोटो लूँगा ना, टॉप से अगर, तो उसको देख के बंदे को 2-3 सेकंड लगेंगे पहचानने में कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, 2-3 सेकंड उसको लगेंगे। अभी आई एम नॉट श्योर कि वो मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इस शूज़ की जो फ़ोटो है ना, अगर वो टॉप से होती, अभी तो ये साइड से, टॉप से होती तो मुझे सीधा गोल सुराख दिख रहा होता और सामने वो फीते, तो मेरे लिए शायद इतना ज़्यादा रिकग्नाइजेबल ये नहीं होता उस केस में। ठीक है, शूज़ फोटो फ्रॉम टॉप, सही है, ये इसको ज़रा रिकग्नाइज करना मुश्किल है कि ये शूज़ है या क्या है। ठीक है, इसको तो फिर भी आसान है, लेकिन इस वाले को और मुश्किल है। ठीक है, ये नहीं पता लग रहा कि ये शूज़ है या क्या है। ठीक है, ये नहीं पता लग रहा, इतनी आसानी से पता नहीं लग रहा कि ये शूज़ है अभी तो, क्योंकि शूज़ की बात चल रही है तो आपको पता है एग्जैक्टली, लेकिन अगर ये फ़ोटो आप किसी बंदे को दिखाएंगे ना तो वो उसको शायद 2-4 सेकंड लग जाए इसको सोचने में कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इस तरह की भी एंगल हो सकता है, किसी भी चीज़ का इस तरह का एंगल हो सकता है कि जिससे वो रिकग्नाइजेबल नहीं होगा। ठीक
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बल्कि मैं नॉट रिकग्नाइजेबल भी लिख दूँ, नॉट रिकग्नाइजेबल, वेल इसको मेरी बात शायद समझ तो नहीं आई है, लेकिन स्टिल ये वाला जो एंगल है वो शायद इतना ज़्यादा इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल नहीं है, मे बी। अच्छा जी, अब हमारी जो सबसे है ना कि इमेज किस तरह की होनी चाहिए हम देख रहे हैं असल में, तो बी रेलेवेंट होनी चाहिए, रेलेवेंट इमेज होनी चाहिए कि जी अगर ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है तो उसमें उससे रेलेवेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कन्वे इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया कि जो इन मिसाल के तौर पर कोई डिवाइस है उसके बटन कहाँ पर हैं और ये चीज़ें कहाँ पर हैं इससे पता लग रहा है हमें, कन्वे इन्फॉर्मेशन देख लिया। राइट मूड हमने देख लिया, इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल देख लिया, फिट द कलर पैलेट। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कलर पैलेट क्या बला है, ठीक है, कलर पैलेट क्या बला है, तो आ जाते हैं उसके लिए। अच्छा, ये मैं वो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो ये मैं वो बातें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कलर पैलेट जो होता है ना वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है, हर वेबसाइट का एक कलर पैलेट होता है। आ जाओ, मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है, इसका जो कलर पैलेट है ना वो नीचे इन्होंने बताया है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, ये कलर पैलेट इमेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ जो बता रहा है ना ये कलर पैलेट बता रहा है टेक्स्ट की बात। मिसाल के तौर पर जैसे ये बटन है, इस बटन को कलर CSS के थ्रू दिया गया है, तो इस बटन को कौन सा कलर दिया गया है, ये वाला कलर दिया गया है, ये वाला कलर है और साथ में ये वाला, इन दोनों का ग्रेडियंट है, CSS में हम ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर मेन्यू बार है इसका जो कलर है ये पूरा वाइट नहीं है, ये पूरा वाइट कलर नहीं है जिससे ये मेन्यू में ये बातें लिखी हुई हैं, या नीचे जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पूरा वाइट नहीं है, ये वाला कलर है, सही है। तो ये टोटल 5 कलर्स हैं जो इस वेबसाइट में, इस पेज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप नोट करें कि यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, इस जगह पे जो आपको दिख रही है ना, ये दिस इज़ एन इमेज, तो ये इमेज क्या हो रहा है उस कलर पैलेट के साथ मैच कर रही है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट का जो कलर है वो कुछ और है और इसमें कोई रेड कलर की इमेज अगर लगा देता तो शायद वो इतना ज़्यादा कलर पैलेट के साथ मैच नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा ऑड फील करा सकती थी वो आपको। ये आप देख लें, एक और, ये एक वेबसाइट है, ये इसका कलर पैलेट है। अच्छा, कलर पैलेट अलग से दिखाना मकसद नहीं है, आपको वैसे ही दिख रहा है कि इसमें कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो कोई फ़ोटो लगेगी ना, तो अगर वो बेहतर ये है कि कलर पैलेट में फ़िट हो जाए, ठीक है, जैसे कि आप ये वाली वेबसाइट देखें, ठीक है। तो जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, उसमें बाकायदा एक कलर जो कि कलर पैलेट का कलर है, एक कलर यहाँ मैच हो रहा है, ये आप चेक करें। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड कलर है इसका, जो वेबसाइट का कलर है वो कलर पैलेट के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, मतलब ये वाली चीज़ एज आसमान फील हो रही है इसके अंदर, हालांकि ये आसमान नहीं है, जस्ट एक बैकग्राउंड कलर है ये, ठीक है जी। ये एक और एग्जांपल आ गई आपके पास कि ये वेबसाइट का जो कलर पैलेट है और ये इमेज है जो जो कि प्योरली डेकोरेटिव इमेज है ये वाली, ठीक है, इसकी इमेज से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कन्वे नहीं हो रही, ये प्योरली डेकोरेटिव है, लेकिन स्टिल ये इस पैलेट के अंदर लाए कर रही है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, एक और, इसमें भी एक इमेज लगी हुई है दरमियान में जो कि प्योरली डेकोरेटिव है, लेकिन ये इमेज किस में, इस कलर पैलेट के अंदर से ही बनी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो इमेज है ये कलर पैलेट से बाहर है, ऑफ कोर्स इसमें जो बिस्किट की इमेज लगी हुई है इस वेबसाइट के कलर पैलेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस इमेज को शायद ये पॉप करना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने हरकत की है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि ऐसा भी कोई रूल ऑफ थंब भी नहीं है कि कलर पैलेट में ही घुसाना है आपको। अब पर्पल कलर का बिस्किट कैसा लगता,
पर्पल तो हो नहीं सकता ना, बिस्किट बिस्किट का जो तो कलर है वही रहेगा, तो इसको शायद ये पॉप करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने जो है ना ये किया है। अच्छा, बेकरी की जो वेबसाइट है अक्सर उसके अंदर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। जो बेकरी की जो वेबसाइट है उसके अंदर अक्सर ये चीज़ें की जाती हैं। अच्छा देखो, इसको तो कहीं ना कहीं इन्होंने कलर पैलेट ही ऐसा बनाया है कि बेकरी के सारे कलर इसमें आ जाएंगे। कलर पैलेट इसका हल्का सा येलो सा बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये तो चलो बनाया ही इन्होंने ऐसा है। ठीक है जी, ये आ जाओ आप। इन्होंने भी किसी हद तक कलर पैलेट को अपना ऐसा रखा है कि जो है ना ये बेकरी वाले कलर सारे इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर इस वाले को देखें, नहीं ये भी कलर पैलेट बिल्कुल फिट आ रहा है, बिल्कुल फिट आ रहा है। कोई हमें ऐसी एग्जांपल अगर यहाँ पे मिल जाए मे बी, जिसमें पॉप हुए हुए हों कलर्स। ये वाले को शायद हम देख सकते हैं। इसमें ना पूरी जो वेबसाइट का कलर है वो बहुत लाइट और बहुत धीमा कलर है, लेकिन हमारा जो केक है ना वो पॉप हो रहा है पूरा। उसको मतलब इस तरह का दिखाया है उन्होंने कि वो केक पॉप होके अलग से नज़र आ रहा है। साथ में पॉप अगर लिख दूं यहाँ पे मे बी, हाँ भाई बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? वेल अच्छा, तो ये मैंने एक और वेबसाइट आपके सामने खोली है, दिस इज कॉल्ड colorhunt.co। ठीक है, इस वेबसाइट का ये नाम है। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि यार वेबसाइट के कलर पैलेट से आपका क्या करना चाहिए, कलर पैलेट से इमेज आपकी मैच करनी चाहिए। तो अगर तो देखें आपको कलर पैलेट पहले से आपका डिसाइडेड है, अगर आपका कलर पैलेट पहले से डिसाइडेड है तब तो बात और है। ठीक है, लेकिन अगर आप, असल में ये बातें हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि अक्सर क्या होता है ना, वैसे तो मैंने आपसे कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, डिज़ाइनर का काम है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आप फ्रीलांस बिजनेस में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारे काम आपको खुद करने होते हैं। उसमें कोई नहीं कलर पैलेट वैलेट बना के दे रहा था। क्लाइंट आता है, वो एक दो वेबसाइट दिखाता है आपको, कहता है यार बस इस तरह की होनी चाहिए और डॉक्टर क्लिनिक है मेरी, बस इसी का कंटेंट भी इसी का छाप देना, इस तरह की बात करके चला जाता है। वो बोलता है कि फिलहाल कंटेंट इसी का छाप देना, कंटेंट बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब जब वो बना लेते हैं वेबसाइट तो फिर कहता है कंटेंट भी लिख दो इसका, एक कह रहा है लिख के दो मुझे, मैं अप्रूव करूँगा फिर उसको चिपका देना, क्योंकि ज़रा वहाँ पर डॉक्टर की वेबसाइट में कॉन्टेंट बड़ा मोहतात होके देना पड़ता है, तो उसको लिख के दो ना, तो अपने लॉयर से उसको पढ़वाता है, चेक करवाता है। ठीक है, एक मैंने वेबसाइट बनाई थी बहुत पहले, तो वो ना कोई हर्बल प्रोडक्ट थी वो, तो वो जहाँ पे भी उसको लिखता था ना जुमला, उसके अंदर वो लिखता था किसी लेजेंड का नाम लिखता था, कोई हर्बल प्रोडक्ट का, कोई हर्बल कोई डॉक्टर था उसका नाम, कि अकॉर्डिंग टू हिज बुक और फला फला दिस मेडिसन मे क्योर योर कफ, खांसी क्योर हो जाएगी इससे। ये नहीं बोलता था कि दिस मेडिसन विल क्योर, ये कहीं पे भी नहीं लिखता था वो। उसने कहा भाई ये मर जाऊंगा मैं, इस तरह लिखा मैंने अगर, तो उसने कहा भाई फला फला के मुताबिक, फला फला कोई लेजेंड है जिन्होंने अपनी बुक्स वुक्स लिखी हैं पता नहीं कोई, उनके मुताबिक ये जो जड़ी बूटी है जिससे ये दवा बनी हुई है, ये कफ के अंदर जो है ना आपको राहत पहुँचाती है। तो इस तरह की उसने जो घुमा घुमा के बात लिखी होती थी। ठीक है, हमारे यहाँ भी हर्बल प्रोडक्ट्स को सारा यही सीन है। हर्बल प्रोडक्ट्स पर कोई लाइसेंसिंग नहीं होती ना, पता है ना आपको, जो दवाएं होती हैं ना जितनी भी, या इवन आप बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में भी आप देखेंगे, वो कहते हैं हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट। तो हर्बल प्रोडक्ट अगर लिख दिया ना किसी भी आपने, तो उस पर कोई लाइसेंसिंग नहीं होती, बस हर्बल के नाम पर आप जो भी बेचो भले वो काम करे ना करे। तो USA के अंदर भी ये वाला सीन है हर्बल प्रोडक्ट्स वाला। तो वेल, तो मैं ये कह रहा था कि एज अ फ्रीलांसर आपको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही आपको देखना पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके से जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेस, उनके पास भी इतना बजट आमतौर पे नहीं होता कि वो डिज़ाइनर अलग से हायर करें। वो आपसे ही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए होते हैं कि आप ये चीज़ें भी देख लेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, और ये चीज़ें जिस डिवेलपर को थोड़ा सा आइडिया होता है इन चीज़ों का, उसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब पे लगते हैं और उसको मतलब इन चीज़ों में अगर उसको आपसे सहूलत मिल रही है कि आप खुद ही से UI बना लेते हैं, खुद ही से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कलर होना चाहिए, इमेजेस भी खुद ही से ढूंढ के निकाल लेते हैं आप स्प्लैश फ़ोटो से, है ना, क्या था वो स्प्लैश फ़ोटो था जैसे
स्टॉक फोटो की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से इमेजेस भी खुद ही ढूंढ के निकाल लेते हैं, पूरी यूआई खुद से तरतीब दे लेते हैं आप, ठीक है। तो आप उस यानी दूसरे लोगों के मुकाबले में आप ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं उस सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, ठीक है। ये छोटे सॉफ्टवेयर हाउसों में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये कि वो डेवलपर को बोलते हैं कि यार सारे काम आपने करना है, सही है। तो अच्छा, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे आके ना हम कलर पैलेट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ ना ग्रीन, अगर मैं किसी चीज़ का मैंने कलर लगाना है ग्रीन, तो वो तो ग्रीन तो वो ये वाला थोड़ी ग्रीन होगा, वो तो पूरा सख्त क्या उसको शदीद ग्रीन होगा, वो तो बिल्कुल मसला कर जाता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देखें एक तो पॉपुलर करके है यहाँ पे कि भाई दिस मंथ जो पॉपुलर चला है। अब मिसाल के तौर पे किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वेबसाइट है उसमें ये कलर चल सकता है ग्रीन वाला, ठीक है। ग्रीन ग्रीन कलर की वेबसाइट होगी, बेड रखा हुआ होगा और साथ में एक ग्रीन कलर का पौधा पड़ा हुआ होगा, इस तरह की वेबसाइट हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ना डिफरेंट इन्होंने चीज़ें लगाई हुई, जैसे आपको डार्क कलर की वेबसाइट बनानी है तो ये डार्क आ गया, ठीक है, ये डार्क डार्क कलर्स आ गए सारे, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों के लिए बनानी है तो शायद मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, ख़वातीन ने बोल दिया कि ब्राउन उनका लीस्ट फेवरेट है, तो ये ब्राउन वाउन तो आउट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ब्लू शेड में चाहिए, ब्लू शेड में बना दूंगा मैं ये वेबसाइट अगर मेरे एज ग्रुप में बड़े उम्र के लोग मौजूद हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका और कोई शेड आ जाए, ये पिंक वाला, ठीक है। किसी ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है और मैंने डार्क कलर में बनानी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फीमेल ब्यूटी सैलून, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो है ना क्या आया, निशा ब्यूटी, ये पीके वाला है। अच्छा, पाकिस्तानी नहीं देखना हमें, चलो पाकिस्तानी भी देख लेते हैं, खुल तो जाए पहले ये। हाँ नहीं, सही बनाया इन्होंने तो, लेकिन कलर पैलेट इन्होंने बिल्कुल ही वाइट रखा है, बिल्कुल ही वाइट तो नहीं रखना था इन्होंने। हाँ ये कोई तैयार थी उन्होंने, ठीक है। घर पर, अरे भाई घर पे आके पैर मालिश करके जा रही है भाई यार, ये आइडिया करोड़ों का पर दिया है। अच्छा सही है यार, मैं सर न्यूयॉर्क लिख दूँ ना ज़रा इसमें, हमें हमारे वाले इतनी तवज्जो नहीं देते ना, मसला ये है। अभी पढ़ाई करते हुए अगर मैं ये वाला दिखा दूँगा तो फिर पता नहीं कहीं और ही जाके गिरेगा तुमने होगा वो जो है ना। अच्छा ये ना लेडीज़ एंड जेंट्स सैलून, ये न्यूयॉर्क का सैलून आ गया कोई, ये वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट और ये वेबसाइट, तीन वेबसाइट मैंने खोल दी ऐसे हेयर सैलून की जो कि न्यूयॉर्क में वाकई है, ठीक है। देखें आप, डार्क रेड कलर आ गया, पिंक भी हो गया जल्दी से, ये रेड भी हो गया, पिंक भी हो गया, सब हो गया ये, ठीक है। देखो हल्का सा पिंक इन्होंने शेड यहाँ पर लगाया है, ये कलर्स वगैरह का बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग, ठीक है। ख़त्म हो गई, छोटी सी वेबसाइट है, सिंपल सी वेबसाइट है। अच्छा ये वो बहुत ही वाहियात वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई वेबसाइट मिल जाए, अच्छा ये सिक्योर भी नहीं है, पता नहीं किसी ने ये ऐसी जुगाड़ में बनाई हुई है, तो इस तरह की कोई वेबसाइट मिल जाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इस पर क्या करेंगे, आप इसको लगाएंगे कॉल, क्या नाम है इसका, ब्यूटी सैलून स्पा नाम है ना इसका, ये वाला, इसको आप लगाएंगे कॉल, सही है। इसको आप लगाएंगे, ये खुलेगा कैसे, सही है, ये आ गया इसका नंबर, इसको आप लगाएंगे कॉल और इसको आप बोलेंगे कि भाई ये क्या वेबसाइट लगाई हुई आपने, अच्छी नहीं लग रही आपके बिज़नेस पर, सूट नहीं कर रही है, कहना आपके सामने वाली दुकान वाला जो बंदा है ना उसने वेबसाइट ऐसी सही बेहतरीन लगाई हुई है, ये आपने क्या क्या किया हुआ है आपने, ये सही है, ये आपको यहाँ दिख रहा है ना कि किधर है, ये इसके सामने वाली दुकान भी दिख रही है ना, इसके रोड के दूसरे पार कौन है, या अगली गली में कौन है, या अगले ब्लॉक में कौन है, वो भी आपको दिख रहा है। ये आ गया ना लेडीज़ एंड जेंट्स सैलून, तो ये लेडीज़ एंड जेंट्स वाले का भी आपने देख लिया, आपने बोला यार उनका देखा है वेबसाइट आपने, कैसी बेहतरीन बनाई हुई है, आपने क्या किया भाई, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं यहाँ पे कि वो ख्याल रखते हैं कलर का। हाँ ये आ गए, चलो शुक्र है।
सही हो गया भाई। तो इन्होंने थोड़ा इसको जो है ना बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट ही रखा हुआ है और थोड़ा सा एलिगेंट सी है। इनकी भी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट वेबसाइट है, बहुत शॉर्ट वेबसाइट है, सर्विसेज में चलते हैं ठीक है। ये हेयर सर्विसेज हैं, पैसे वैसे पूरा मेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शनल वेबसाइट है ये जस्ट ठीक है। प्रेस किसके लिए बना हुआ है? हम के लिए अगर कोई तैयार होना चाहता है तो सेल होना है इतना पी का पर हाँ कलर्स नहीं है ना, नहीं उन्होंने जरा प्रोफेशनल लुक दिया हुआ है, प्रोफेशनल लुक दिया हुआ है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे अभी जैसे एयर होस्टेस होती हैं, अब वो एयर होस्टेस ना मैं मतलब तकरीबन 1.5 महीने होने वाले हैं भाई, वो एक ही उनका हेयर स्टाइल है, वही सबके करते हैं पता नहीं, और मेकअप भी बिल्कुल एक जैसा होता है, और मतलब लिपस्टिक का कलर वलर सबका सेम होता है बिल्कुल, मतलब मुझे रोबोट हैं वो सारे, कपड़े भी एक जैसे, शूज़ भी एक जैसे, सब एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे लगते हैं। तो अब वो उनका जो जो पीछे जूड़ा बनता है ना, पता नहीं कोई अजीब ही गोल सा होता है, अभी मैं लिखूँगा ना फ्लाई जिना वाले, तो इनका ना पीछे एक हेयर स्टाइल भी लिख दूँ साथ में ना मैं। अच्छा हेयर स्टाइल तो दिख नहीं रहा, हेयर स्टाइल नहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ पे इन्होंने इस तरह की फ़ोटो लगाई है उसमें, हाँ ये दिख रहा है, ये ऐसा गोल सा इन्होंने गेंद के जैसा बनाया होता है ना, तो ये तो मतलब पता नहीं बड़ा मुश्किल ही बनेगा। अच्छा वो इस तरह का होता है, वो डोनट बन, डोनट बन कहते हैं। अब ये डोनट बन बनाना मैं तो उसको मतलब सोचता हूँ ये बनेगा कैसे, लेकिन फॉर्म होता है ऊपर ऊपर सर्कल किया होता है, वो बंदे को पता है। देखो भाई जो बंदा सताया हुआ होता है उसको पता होता है। यहाँ पे तो मुझे तुम लोग लास्ट क्लास में कह रहे थे ज़्यादातर बंदे सिंगल बैठे हुए हैं ना, वो सिंगल बंदों को इन चीज़ों का पता नहीं होता, अब ये आगे आने वाले मसले हैं, ये अभी तुम लोग इन चीज़ों से महफूज हो। तो भाई जब बंदा सताया हुआ होता है उसको फिर हर चीज़ पता लग जाती है। मैं पहले ये समझता था कि लड़कियों की जो पलकें होती हैं ना वो लंबी लंबी होती हैं, मुझे बाद में पता लगा कि वो तो एक्सटेंशन लगाते हैं इसके अंदर और उसको गोंद से चिपकाते हैं। मैं तो कभी भी अपनी आँखों में गोंद ना लेके जाऊँ करीब उसके, एल्फी जैसी चीज़ होती है उससे चिपकाते हैं भाई। अगर मैंने कहा ये क्या है भाई, इसको मतलब खूबसूरत लगने के लिए इतना रिस्क, मैं तो कभी भी ये ना करूँ ज़िंदगी में। तो वेल लड़की नहीं है, हाँ भाई लड़कियाँ बड़ा रिस्क में लेती हैं अपने आप को ना ये खूबसूरत लगने के चक्कर में, वो बहुत ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो वो पता नहीं यार, ये होती है ना ऊपर आईब्रोज भवें, अब इसको नोच नोच के वो निकलवाते हैं, मैं तो सोच के ही मेरे काई से आ जाती है, मुल्तान यार ये क्या हो रहा है, मैं तो कभी ना करूँ ये काम। तो वो नोच नोच के ना, वो एक दिन मैं हेयर ड्रेसर के पास गया तो उसने कहा यार ये आपकी ना मैं ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं चिक्स, उसने कहा यार ये चिक्स पे ना आपके तरह रोए हैं, उसको मैं रिमूव कर दूँ। मैंने कहा कर दे भाई, उसने धागा पकड़ के यूँ करीब आया ना वो, मैं मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, उसने धागे को यूँ चलाया ना, मेरी तो चीखें निकल गई। मैंने कहा बस मेरा भाई बस, क्या कर रहा है ये तू, ट्रिमर लगा इसके ऊपर। मैंने ट्रिमर लगवा लिया चुप कर गए, आँखों से मेरे फ़ौरन आंसू निकल आया भाई, वो ऐसे खींचते ही। मैंने कहा यार इतनी अजीत चेहरे पर वो भी नहीं भाई। वेल तो हमने क्या देखा कि यार कलर पैलेट जो है ना वो आपने क्या करना होता है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है, और डिज़ाइनर बंदा जो होता है वो तो ये यहाँ नहीं आएगा, वो उसको तो कलर उसके फिंगर टिप्स के ऊपर होता है, तो वो कलर देखेगा सेलेक्ट करेगा खुद ही और खुद ही बना देगा कि यार ये कलर होना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे नए बंदों के लिए यहाँ पर ये मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जिसमें समर का लुक देना है आपने, तो समर के लिए यहाँ पे इन्होंने कलर पैलेट्स कुछ बना के रखे हैं। समर समर का लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है सूरज निकला हुआ है ना, सूरज वाली फीलिंग दे रहा है आपको ये। अच्छा इसी तरीके से विंटर का अगर आपने लुक देना है तो ये विंटर वाले लुक्स आ गए सारे, ये विंटर के कलर्स आ गए ठीक है। विंटर के जो ड्रेसेस होते हैं उनका भी कलर इस तरह का होता है ठीक है, इसको हम ये कहते हैं कि कोल्ड कोल्ड कलर्स हैं ये ठीक है। इसी तरह स्प्रिंग है ठीक है, स्प्रिंग के कलर, स्प्रिंग का मतलब होता है बाहर होता है, ये बाहर के कलर हैं, फूलों वाले कलर हैं ये ठीक है, ऐसा लग रहा है फूल खिल गया। अच्छा इसी तरीके से आपके आप देखें हैप्पी कलर्स हैं
जैसे जो बर्थडे वगैरह टाइप की जो चीज़ होती है इस इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो हैप्पी कलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कलर पैलेट इन्होंने रखे हैं, नेचर से रिलेटेड जो कलर पैलेट्स हैं, बॉटल ग्रीन और प्लांट ग्रीन, ये सारे वाले इसमें आ गए, ठीक है। एप्रिकॉट कलर, ये सब इसमें आ गए। ये नेचर वाली जो वेबसाइट होगी ना, किसी नर्सरी की वेबसाइट बन रही है, फूल पौधे बेचने की, फ्लावर शॉप बन रही है कोई, तो उसमें शायद हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह नाइट हो गया, सही है। इसी तरह ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस के कलर्स ये सारे आ गए, ठीक है जी। उसके अलावा किड्स के कलर यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, ये किड्स वाले कलर हैं सारे, ठीक है। अच्छा, ये अब ये ओवरलैप कर रहे होंगे, कुछ किड्स वाले कलर ऐसे भी होंगे जो हैप्पी में भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इसी तरीके से जो समर वाले कलर्स हैं वो भी किड्स में शो हो रहे होंगे साथ में। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना देखें आप, अभी मैंने किड्स पे क्लिक किया ना, तो ये ऊपर किड्स लिखा हुआ आ गया ना। अभी मैं ऐसे किसी और पे क्लिक करूँगा ना, जैसे फूड पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे फूड लिखा हुआ आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो फूड से रिलेटेड है, ठीक है, और किड से भी रिलेटेड है, तो मैंने फूड और किड दोनों लिख दिया, सही है। और इसी तरीके से मुझे डार्क कलर्स चाहिए, तो मैंने डार्क भी लिख दिया। तो अब ये वो वाले कलर्स आ जाएंगे जो है ही नहीं। अच्छा, किड में कोई ऐसा डार्क कलर इनके पास नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि यार इसमें से कौन सा मुझे लाइट कलर, चलो लाइट देख लेते हैं। ये आ गया किड, फूड और लाइट। तो किड के जो फूड्स होंगे ना, मिल्क शेक वगैरह, वो जूसेस वूसेस वगैरह, उसके लिए, उस तरह की वेबसाइट के लिए कलर बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल का इन्होंने कोई सेक्शन नहीं रखा हुआ है ना, मेल फीमेल का कोई सेक्शन इन्होंने नहीं रखा हुआ, ठीक है। इसी तरह मुझे साथ में इसके क्या चाहिए, मुझे साथ में नेचर भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने नेचर भी लिख दिया साथ में। तो ये पांच ऐसे आ गए जो क्या है, फूड से रिलेटेड कलर हैं, किड्स को भी पसंद आएंगे, लाइट कलर्स हैं और नेचर वाले कलर्स हैं। ये पूरे टैग्स मैंने लिख के कर दिए, ठीक है। तो इस तरह के ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो इस तरह के कलर पैलेट्स आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडम भी कलर्स पैलेट आप ले सकते हैं यहाँ से। इसमें से किसी एक को आप लाइक करेंगे तो ये जाके अंदर सेव भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ कलेक्शन में जाएंगे तो ये लाइक वाला यहाँ पे शो हो रहा है जो मैंने अभी लाइक किया उसको। तो ये मैंने आपको एक वेबसाइट बता दी कि आपने कलर पैलेट, ज़ाहिर है कलर पैलेट पहले से सेलेक्टेड नहीं है, तो जिस तरह की इमेजेस आपकी होने वाली हैं उस तरह का कलर पैलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी मिसाल के तौर पे, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया ना फिलहाल, तो इस कलर पैलेट के अंदर अगर मेरे पास स्ट्रॉबेरी क्या होता है वो, नहीं मिल्क शेक नहीं, वो स्ट्रॉबेरी जूस, जूस होता है, क्या होता है वो, सेवन अप को क्या कहते हैं, सेवन अप वाले जूस को, फिजी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, ठीक है। तो ये आपने अगर लगाया हुआ ना, इस तरह की कोई चीज़ आपने लगाई हुई है उस पर, तो ये कलर पैलेट में ऑटोमेटिकली मिक्स हो रहा होगा। किड्स जूसेस, किड्स को जो जूस पसंद आते हैं, ओहो फ्रेश जूसेस, ठीक है। किड्स को जो फ्रेश जूसेस पसंद आते हैं ना, वो कुछ इस तरह के कलर्स के होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे ये वाला आपने, ये वाली फ़ोटो आपने लगाई हुई है और कलर पैलेट आपका क्या है, ये है पीछे, तो वो कलर पैलेट से कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है, ठीक है। ग्रीन भी है उसके अंदर, सब है, सारे कलर्स हैं, इमेज से भी कलर फिट कर रहा है। हाँ, अच्छा, अब कलर पैलेट में ना एक चीज़ और भी आप समझ लें, कलर पैलेट को जब इतना हमने डिस्कस कर लिया है, कलर पैलेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो क्या होती है, 40-30-20-10, ये एक स्टैंडर्ड रेशो है कलर पैलेट का, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा ये 40-30-20-10, ये टोटल 100 बनते हैं, सही है ना। 40 और 30 हो गया 70 और 20 और 10। तो ये एक कलर ऐसा होता है जो प्राइमरी कलर होता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का प्राइमरी कलर जो होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंडरी कलर, और उसके बाद पता नहीं सेकंड कुछ, इसके नाम होते हैं बहरहाल चारों। तो इसका जो है ना क्या होता है, कलर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मैं वैसे ही रैंडमली एक वेबसाइट ओपन करता हूँ कोई, मैंने कहा कि यार वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, मैंने वेबसाइट डिज़ाइन लिख दिया। तो इस वेबसाइट के अंदर आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं किसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर कौन सा है,
प्राइमरी कलर जो है, नहीं कलर पैलेट की बात हो रही है, बैकग्राउंड्स की बात नहीं हो रही है अभी। ये वाला जो रेड है ये इसका प्राइमरी कलर है, ठीक है। सेकेंडरी कलर कौन सा है इसके अंदर? शायद ग्रे है, शायद ग्रे है। अब तो ये पूरी वेबसाइट नीचे तक जब मैं स्क्रॉल करूँगा फिर मुझे पता लगेगा। असल तो सिर्फ इतना सा देख के मैं बता नहीं सकता क्योंकि अब नीचे पता नहीं इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखें, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कलर है वो क्या है? वो पर्पल कलर है। और इमेज को भी इन्होंने उसी हिसाब से लगाया हुआ है, तो पर्पल इसका प्राइमरी कलर है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 60 40 30 20 10, ये इसका रेशो होता है। तो जो सबसे लीस्ट इस्तेमाल हुआ हुआ कलर है, मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट के अंदर जो 10 वाला जो कलर है वो कौन सा है, आइडेंटिफाई कर पाएगा कोई आप में से? असल में इसका येलो कलर ही इसका 10% वाला कलर होगा, लेकिन वो येलो कलर इस पूरी वेबसाइट में इमेज में तो नज़र आ रहा है, टेक्स्ट में कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इमेज के अंदर जो कलर है वो पैलेट का हिस्सा नहीं होता। इन्होंने जैसे इस चैप्टर में सजेस्ट किया है कि जो भी पैलेट है इमेज उससे अगर मैच कर दें तो अच्छी बात है, जस्ट इन्होंने ये बात की, ठीक है। इमेज जो है वो पैलेट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। इस पेज को देखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो जो प्राइमरी कलर है वो इसके अंदर ये ब्लू है, ये वाला ब्लू, ठीक है। सेकेंडरी कलर जो है इसका वो शायद हल्का सा जो वो ग्रे कलर एक है यहाँ पे, ये सेकेंडरी कलर है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे जो इस्तेमाल हुआ हुआ है। और उसके बाद हमारे पास है वाइट कलर। अच्छा, वाइट और ब्लैक भी ना पैलेट का पार्ट नहीं होता, ये भी आप समझें इस चीज़ को। मिसाल के तौर पे किसी पैलेट के अंदर ना वाइट कलर मौजूद नहीं है, लेकिन वाइट कलर इस वेबसाइट में स्टिल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये वाइट कलर ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये पैलेट का पार्ट हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होता। तो वाइट या ब्लैक, जैसे यहाँ पे पीछे ग्रेडियंट में ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक कलर इसके पैलेट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर आप देखें इसका पैलेट बाकायदा पता लग रहा है प्राइमरी कलर कौन सा, ठीक है। तो 40 30 20 और 10, तो वो रेशो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि किसी वेबसाइट के अंदर चार ही कलर हों पैलेट में, 5 कलर 6 कलर या 10 के करीब कलर भी हो सकते हैं पैलेट में, और उसका डिफरेंट रेशो हो सकता है, ठीक है, या कम भी कलर हो सकते हैं। जैसे ये वाला आप वेबसाइट देखें तो उसके अंदर मुझे शायद 2 ही कलर नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आ रहा है ग्रीन और एक नज़र आ रहा है लाइट ग्रीन और एक नज़र आ रहा है ये डार्क ग्रे। तो ये 3 ही कलर मुझे नज़र आ रहे हैं, चौथा कोई कलर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वाइट तो वैसे भी पार्ट नहीं है पैलेट का, वाइट तो वैसे भी लगा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये 3 कलर हैं इसके अंदर, पूरे 4 कलर इन्होंने नहीं रखे हैं, ठीक है जी। तो हमने आज क्या कर लिया, ये चारों पांचों पॉइंट्स ना अच्छी तरह हमने डिस्कस कर लिए हमारे जो इमेज वाला चैप्टर है कि चूजिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट के अंदर। हमने कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस किया, हमने कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लोर किया, ठीक है, और हमने बहुत सारी चीज़ें आज हमने इंफॉर्मेशनल चीज़ें बहुत सारी आज हमने सीखी हैं, ठीक है, थियोरेटिकल चीज़ें आज हमने बहुत सारी सीखी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका एक टास्क है, एक चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा टास्क है। मैंने आपको जो एक वेबसाइट दी थी, 4 पेजेस वाली वेबसाइट दी थी ना मैंने आपको लास्ट, अच्छा क्या कहा था मैंने कि किसी भी बिज़नेस को ख़ुद से सेलेक्ट करना है और उसकी 4 पेज की वेबसाइट बनानी है। तो अब आपने ये करना है, वो सबमिशन तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग करवा चुके हैं, लेकिन उसी में आपने अब एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और भी करनी है कि उसका कलर पैलेट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर जो कलर पैलेट है उसका, मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आपका कोई असाइनमेंट देखूँ, टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन जल्दी से ना ज़रा एक रैंडमली किसी एक का खोल के देख लेता हूँ असाइनमेंट। तो इधर मैंने अपलोड कर दिया था ना टास्क उसका, 4 पेज वेबसाइट आ गया ना, व्यू इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट वर्क, ये क्या सीन है। दिख रहा है क्यों नहीं है URL? एक मिनट यार, यहीं से रैंडमली खोल लेते हैं कोई। जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो ये भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
ठीक है ना, क्योंकि अभी ये वाली बात मैंने आपको पढ़ा दी है आज, कलर सेलेक्ट करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसी वाली सेलेक्ट की है, हंसने की बात नहीं है, सही है। मैंने जानबूझ के ऐसी वेबसाइट खोली है कि आपको मैं एग्जांपल दिखा सकूं, या जैसे ये वाली एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ना, देखिए हमने कलर्स जो है ना इसके, नॉट गुड, सही है। हालांकि प्राइमरी सेकेंडरी की सेटिंग इसमें है, ठीक है ना। इसका जो ये ग्रीन कलर है, ये शायद प्राइमरी कलर है, और जो ये डार्क पीछे लगा हुआ है, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन या डार्क ग्रे, तो ये इसका जो है ना सेकेंडरी कलर है। बट इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इम्प्रूव करना है। इसमें तो भाई पेजेस भी नहीं खुल रहे, ये इनकम्प्लीट है, ऐसे एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपने क्या करना है, इसके कलर पैलेट को सही करना है। एक और इस एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है, अब देखो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर जो कलर्स है ना, ये वाले रेड और ग्रीन और ये कलर भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना, ये कलर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, कलर पैलेट सेलेक्ट करना है, जो भी बनाओगे उसी कलर पैलेट में से बनाओगे। और प्राइमरी सेकेंडरी को ज़रा अलग से भी स्टडी कर लेना कि अगर एक वेबसाइट के प्राइमरी कलर्स हैं तो कहाँ कहाँ प्राइमरी लगते हैं, कहाँ कहाँ सेकेंडरी, चाहो तो अलग से सर्च कर लेना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।